हेलो एवरीवन, हेलो हेलो एवरीवन, सो गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू जीएस बाय डॉक्टर विपन गोयल यूट्यूब चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा टॉपिक मॉडर्न हिस्ट्री का, ठीक है। बाकी सभी एग्जाम्स के बच्चे भी इस क्लास को देख सकते हैं, लेकिन जो बच्चे ईपीएफओ की तैयारी कर रहे हैं उन्होंने तो देखना ही देखना है। समझ आया जी? वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। ओके, तो क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूं कि फटाफट जहां पे भी ये क्लास शेयर करनी है फटाफट कराओ, ठीक है, कराओ, क्योंकि बहुत मजा आने वाला है। बहुत अलग तरीके के हम क्वेश्चन भी डिस्कस करने वाले हैं, मजा आएगा तुम्हें। आने दो, एक दो मिनट वेट करेंगे, ठीक है, फिर हम स्टार्ट करेंगे अपने क्लास को। सो गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अच्छा, तुम्हें एक चीज़ मैं बता दूँ, मॉडर्न हिस्ट्री की ना, मॉडर्न हिस्ट्री की एक हम क्लास भी लेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री जो हमारे थियरी टॉपिक्स हैं 1857 टू 1947, ठीक है, फ्रीडम स्ट्रगल, तो वो क्लास भी मैंने लेनी है तुम्हारी, ठीक है। मैं थोड़ा सा कुछ काम कर रहा था, ठीक है, तो मैं साथ साथ बताता रह रहा हूँ आपको, फिर हम स्टार्ट करेंगे। और 1857 टू 1947 की जो क्लास होगी फ्रीडम स्ट्रगल की, वो हमारी होगी सैटरडे, शनिवार को, जिसमें हम सारे टॉपिक को डिस्कस करेंगे। व्हाट इज मॉडर्न हिस्ट्री, यहां पे हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज, इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज, समझ आया। और आज वाली क्लास के अंदर हम जो डिस्कस करने वाले हैं, हम जो आज इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं, हम डिस्कस करेंगे अगेन, जिस तरीके से मैंने तुम्हें बताया था कि पॉलिटी की जो क्लास मैंने डाली थी, मैराथन क्लास डाली थी, उसमें मैंने तुम्हें बताया था कि इसमें हम बेसिक्स क्लियर करेंगे, फिर हैं धीरे, क्योंकि अभी तो पेपर निकला है, अभी पहले बेसिक स्ट्रॉन्ग करते हैं, फिर एक एडवांस लेवल के ऊपर हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हमारे हिस्ट्री के जितने भी तुम्हारे सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। तो मतलब खास करके ईपीएफओ के लिए बात कर रहा हूं मैं। अब बात यहां पे ये आ जाती है कि जो ये बेसिक्स क्वेश्चन है वो तो हम डिस्कस करेंगे करेंगे, लेकिन अब बात यहां पे ये आती है कि जो मेंस वाले मेन लेवल के क्वेश्चंस हैं वो तभी आपसे सॉल्व हो पाएंगे जब थोड़े से बेसिक स्ट्रांग होंगे आपके, तो बेसिक्स ही हम यहां पे करने वाले हैं। यस, ठीक है, बढ़िया, करें स्टार्ट फिर हम। चलिए तो स्टार्ट करते हैं गाइस। तो आज है हमारी मैराथन क्लास, दैट इज मॉडर्न हिस्ट्री, तो बढ़ेंगे आगे। और इस क्लास को लेके आ रहा हूं मैं, मेरा नाम है डॉक्टर विपन गोयल, और आप ये डिफरेंट सोशल मीडिया के ऊपर आप मुझे यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं, लेकिन सबसे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो है टेलीग्राम चैनल, क्योंकि यहाँ पे सारी क्लासेस शेयर की जाती हैं, सारी नोटिफिकेशन आपको यहां से मिलती है, तो यहाँ पे कनेक्ट करना बहुत जरूरी है आपका। हर घर शिक्षा कैंपेन के अंतर्गत आप मेरे से पार्टिसिपेट कर सकते हैं, मेरे कोर्सेज आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और इसमें क्या है कि आपको जो मेरे पेड कोर्सेज हैं जस्ट आपको कितने में मिलेंगे, 499 रुपीज में आपको मिलेगा मेरा पेड कोर्स, एक साल की वैलिडिटी के साथ। वो कोर्सेज कौन से हैं, वो है हमारे 10,000 MC कोर्स और GS कोर्स। मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया हुआ है ईपीएफओ के और यूपीपीसीएस के और भी बहुत सारे आपके एग्जाम्स आने वाले हैं, वेस्ट बंगाल सिविल सर्विस का एग्जाम आने वाला है, तो मैं उनके लिए स्पेशल क्वेश्चंस भी डिस्कस करने वाला हूं। और मैंने आपको प्रॉमिस किया हुआ है कि मैंने जैसे बोला था कि आपको मार्च महीने के फर्स्ट वीक में, मतलब मैंने आपको डेट दे देता हूं 10-11 के आसपास मैं वीडियो डालना स्टार्ट करूंगा, कहां पे, हमारे इस कोर्स में, 10,000 MC कोर्स में। ईपीएफओ की वीडियोस यहां पे आएंगी, यूपीपीसीएस की भी वीडियोस आएंगी, वेस्ट बंगाल सिविल सर्विसेज की भी आएंगी, बिहार पीसीएस की भी आएंगी, बहुत क्वेश्चन आने वाले हैं, एसएससी की भी आएंगी, बहुत ज्यादा वीडियोस यहाँ पे अपलोड करने वाला हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, और 11 तारीख के बाद से। और आप ये ले सकते हैं, इसमें चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज तो एमसीक्यू है ही है, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स के भी क्वेश्चन हैं, मॉक टेस्ट भी देखने को आपको मिलते हैं, तो वो देख लेना। पॉइंट समझ आया जी? क्लियर, ठीक है। और जीएस कोर्स हमारा एक थ्योरी कोर्स है, ये भी आप ले सकते हैं। अच्छा, इन कोर्सेज में ना आपको कोड लगाना पड़ेगा, ये वाला VIP 499, अगर आप ये कोड लगाएंगे तो आपको जो है ये 499 रुपीज का मिलेगा ये कोर्स, अदरवाइज महंगा है, ठीक है, आपको ये कोड लगाना है। और ये कोर्सेज आपको स्टडी आईक्यू ऐप और वेबसाइट के ऊपर मिलेंगे, इनके लिंक जो है वो कमेंट सेक्शन में गिवन है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी गिवन है, अदरवाइज आप क्या है स्टडी आईक्यू ऐप और वेबसाइट डाउनलोड करो। जैसे आप स्टडी आईक्यू ऐप और वेबसाइट डाउनलोड करोगे, आप स्क्रीन के ऊपर नजर आएगा यहाँ पे होम पेज, यहाँ पे एंड में जाना, बिल्कुल एंड में, बिल्कुल नीचे जाना, नीचे जाएंगे ना तो डॉक्टर विपन गोयल कोर्सेज नजर आएगा आपको, यहाँ पे आपको ये दोनों कोर्सेज नजर आ जाएंगे, अपना कोर्स लेके परचेज करो, प्रेपरेशन आगे बढ़ाओ, कोड लगा लेना VIP 499, समझ आया? यस।
बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। सबको गुड इवनिंग है, ठीक है, एंड सबको गुड इवनिंग, सबको गुड इवनिंग, सबको गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। चलिए जी स्टार्ट करते हैं और अच्छे से आंसर देने की कोशिश यहां पे करना। क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी ऐसी पार्टी है जो भीमराव अंबेडकर जी द्वारा जो है सेटअप करी गई थी। भीमराव अंबेडकर जी द्वारा जो है यहाँ पे सेटअप करी गई थी, ये इनमें से कौन सी पार्टी है। देखिए, अगर मैं स्वराज पार्टी की बात करता हूं तो स्वराज पार्टी 1 जनवरी 1923 को बनी थी, और इसमें कौन पर्सन थे, सी आर दास जी, मोतीलाल नेहरू मेन पर्सन थे। सी आर दास वॉज द प्रेसिडेंट एंड ये थे जनरल सेक्रेटरी। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया। समाज समता पार्टी की याद करने की जरूरत नहीं है, एग्जाम पर्पज के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑल इंडिया स्केड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन, यस दिस इज बाय द भीमराव अंबेडकर जी। ऑल इंडिया स्केड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन बाय द, यस जी, स्केड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन, ये भीमराव अंबेडकर जी की थी। यस, ये 1942 में सेटअप करी गई थी। बाद में इस पार्टी का नाम क्या हो गया था, बाद में इस पार्टी का जो नाम हो गया था वो हो गया था रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया इसका नाम हो गया, ये याद रखना। समझ आया, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। और इसमें जो चौथा ऑप्शन है ये भी भीमराव अंबेडकर जी के, यानी कि तीसरा और चौथा दोनों ऑप्शन सही है आपके। अब इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी भी जो है इन्होंने बनाई थी, किन्होंने, दैट इज भीमराव अंबेडकर जी ने बनाई थी इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, एंड दैट इज इन द ईयर 1936, 1936, ये याद रखना। तो दोनों ही आपकी किसके द्वारा बनाई गई हैं, तीन और चार भीमराव अंबेडकर जी द्वारा। एक चीज आपको और बताता हूं, इसके अलावा भी इन्होंने एक बनाई थी बहिष्कृत, बहिष्कृत, थोड़ा सा स्पेलिंग इधर उधर हो सकते हैं, बहिष्कृत हितकरणी सभा, बहिष्कृत हितकरणी सभा, ठीक है। ये भी जो है भीमराव अंबेडकर जी की पार्टी है, ये 1923 में इन्होंने बनाई थी, 1923 में। ये याद रखने वाली चीजें हैं। भीमराव अंबेडकर जी द्वारा एक पेपर याद कर लीजिए, मूक नायक, मूक नायक इनका पेपर है, इसका भीमराव अंबेडकर जी का। तो आंसर इसमें सी, थर्ड एंड फोर्थ दोनों ही ऑप्शन बनेंगे। क्लियर, देख लो जी। अच्छा, ये महार कम्युनिटी, महार कास्ट से बिलोंग करते थे, लेकिन बाद में इन्होंने एक धर्म अपनाया था, एंड वो धर्म कौन सा था, बुद्धिज्म, न्यू बुद्धिस्ट कहते हैं इनको। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लियर। और आरबीआई का जो आइडिया था वो भी इन्होंने हमें बताया था, प्रेजेंट किया था हिल्टन यंग कमीशन को। चलिए जी अगला क्वेश्चन बात करते हैं। यस, बहुत बढ़िया, शाबाश। यस, नंबर वन, सॉरी क्वेश्चन, पार्टीलेस डेमोक्रेसी की बात किसने करी थी। देखिए, डेमोक्रेसी का मतलब होता है भाई गवर्नमेंट बनाओ, लोगों द्वारा बनाई गई गवर्नमेंट, लेकिन इसमें पार्टी कोई नहीं होनी चाहिए, पार्टीलेस डेमोक्रेसी की यहां पे बात करी गई थी। और इसमें पार्टीलेस डेमोक्रेसी की बात किसने करी थी, एंड दैट इज बाय द जयप्रकाश नारायण जी। तो आंसर नंबर क्या बनेगा, ए, जेपी नारायण। आपको याद होगा जेपी नारायण जो है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से एसोसिएट करते हैं। 1934 में जो है आपकी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनी थी, जिसके प्रेसिडेंट कौन थे, आचार्य नरेंद्र देव, आचार्य नरेंद्र देव, और ये थे आपके जनरल सेक्रेटरी राम मनोहर लोहिया वगैरह लोग भी जो है जयप्रकाश नारायण जी के साथ देखने को हमें मिलते हैं। क्लियर, जब देश आजाद हो गया था, देश आजाद हो गया था तो इन्होंने 1952 में प्रजा पार्टी बनाई थी। देश आजाद होने के बाद इन्होंने प्रजा पार्टी बनाई थी, किसने, जयप्रकाश नारायण जी ने। ये याद रखने वाले पॉइंट्स हैं, प्रजा पार्टी, ठीक है, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, एक्चुअली प्रजा सोशलिस्ट पार्टी इन्होंने बनाई थी, किन्होंने, जयप्रकाश नारायण जी ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर मैं आपको बताऊं, आपको याद होगा जो आचार्य विनोबा भावे हैं, आचार्य विनोबा भावे, इन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट करी थी, बुधान मूवमेंट, याद है तुम्हें। ये बुधान मूवमेंट क्या थी, बुधान मूवमेंट जो लैंडलेस लोग होते थे, फार्मर्स वगैरह, उनको लैंड देना, तो बुधान मूवमेंट में भी जो है इन्होंने पार्टिसिपेट किया था आचार्य विनोबा भावे जी के साथ, ठीक है, ये याद रखने वाला पॉइंट है। क्लियर हो गया तुम्हें। यस, भूपेंद्रनाथ दत्ता, भूपेंद्रनाथ दत्ता जी जो हैं, ये आपको इन्होंने एक पेपर लिखा था, न्यूज़पेपर युगांतर, याद रखना, इन्होंने पब्लिश किया था। एम एन रॉय जी ने 1934 में, 34 में हमारे संविधान का आइडिया दिया था, कॉन्स्टिट्यूशन का आइडिया इन्होंने हमें दिया था। एम एन रॉय जी ने 1945 में एक प्लान दिया था, पीपल्स प्लान,
भाई लोगों से पूछो कि किस तरीके से जो है वो प्लानिंग कमीशन बनाना चाहते हैं, उनसे पूछो। जवाहरलाल नेहरू जी तो आपको पता ही है हमारे देश के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हैं। जवाहरलाल नेहरू जी 1929 लाहौर सेशन रिवर रावी के किनारे पे प्रेसिडेंट जो है लाहौर सेशन के प्रेसिडेंट थे, जहां पे इन्होंने इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया था। और इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया था और इंडिपेंडेंस डे कब सेलिब्रेट किया था, दैट इज इन द 1929 और 26 जनवरी को इन्होंने जो है इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया था, 26 जनवरी 1930 को, 1930 को, क्लियर। बाकी डिस्कवरी ऑफ इंडिया बुक्स जो है इनकी है, ठीक है। तो आंसर नंबर वन जयप्रकाश नारायण जी इज द राइट वन, जयप्रकाश नारायण। चलिए जी अगला क्वेश्चन बताइए, क्या हुआ आज बहुत बच्चे कम आए हैं, क्या दिक्कत है? आज बहुत ही बच्चे कम आए हैं, जो बहुत ज्यादा होशियार हो गए लगते हैं। भाई होशियार बच्चे हैं हमारे पास, हैं तो हैं पर क्या करें, बहुत ही ज्यादा होशियार हैं। ओके ओके क्वेश्चन देखिए जी क्या कहते हैं, हु अटेंडेड द इंपीरियल दरबार ऑफ 1877 ड्रेस्ड इन द हैंडस्पन खादी, जो खादी ड्रेस पहन के गए थे दिल्ली दरबार में 1877 में, ये कौन थे? पहली बात तो ये इंपीरियल दरबार जो 1877 का है ये किसने स्टार्ट किया था, लॉर्ड लिटन ने। और यहां पे जो रानी थी क्वीन विक्टोरिया, उनको जो है टाइटल दिया गया था केसरी हिंद का, किसने दिया था टाइटल, ही लॉर्ड लिट्टन ने दिया था, पॉइंट समझ आया। और उस दरबार में गणेश वासुदेव जोशी, जीवी जोशी जो हैं, ये हैंडस्पन जो हाथ द्वारा बनाई गई खादी है ये पहन के गए थे। तो आंसर नंबर क्या बनेगा जी, डी इज द करेक्ट आंसर, आंसर नंबर डी, क्लियर हो गया तुम्हें। अब आपसे पूछा जा सकता है ये गणेश वासुदेव जोशी जो पार्टिसिपेट किए थे, क्योंकि ईपीएफओ का एग्जाम है, थोड़ा सा डिटेल में पूछा जा सकता है, किसके बिहाफ पे गए थे, कौन सी पार्टी के बिहाफ पे? पूना सार्वजनिक सभा, पूना सार्वजनिक सभा, ठीक है। पूना सार्वजनिक सभा में आपके एमजे रनाडे भी हैं, एमजे रनाडे पार्टी से बिलोंग करते हैं, पूना सार्वजनिक सभा से। आंसर नंबर क्या बनेगा जी, डी गणेश वासुदेव जोशी, क्लियर। मोहनदास करमचंद गांधी, इन्होंने साउथ अफ्रीका से एक पेपर लिखा था इंडियन ओपिनियन। बाकी इंडिया में आके तो बहुत ज्यादा हिंद स्वराज, यंग इंडिया, ठीक है, हरिजन, ये लिखे थे इन्होंने, जो है अपनी ऑटोबायोग्राफी माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ वो लिखी थी, याद रखें। बाल गंगाधर तिलक जी ने बोला था स्वराज इज माय बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, आर्कटिक होम टू वेदास इन्होंने लिखी है, ठीक है। और क्या लिखा है इन्होंने, आर्कटिक होम टू वेदास और गीता रहस्य नाम की पुस्तक इन्होंने लिखी है, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक जी ने एक केसरी पेपर लिखा है मराठा भाषा में, और एक इन्होंने लिखा है मराठी लिखा है, और डेट इज इन द इंग्लिश भाषा में, ये याद रखने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। और इनको बोला गया था फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, भारत में असंतोष के जनक, किसने बोला था, वैलेंटाइन शिरोल ने बोला था, दिस इज इंपॉर्टेंट वन, समझ आया तुम्हें। और लॉर्ड लिट्टन की अगर मैं बात करता हूं, अच्छा ये कौन रह गए, विपिन चंद्र पॉल, ये लाल बाल पाल तीनों थे एक्सट्रीमिस्ट जिसे हम कहते हैं। लॉर्ड लिट्टन की अगर बात करें, ये रिएक्शनरी वाइसराय है, अनपॉपुलर वाइसराय, और वाइसराय ऑफ रिवर्स कैरेक्टर, क्लियर। इन्होंने क्या किया था, वर्नैकुलर प्रेस एक्ट लगाया था 1878 का, जिसमें आप अपना पेपर छाप सकते हो, लेकिन अगर उसमें कुछ गड़बड़ हुई तो आपका पेपर भी छीन लिया जाएगा, लाइसेंस कैंसिल होगा, आपको सजा मिलेगी, सब चीजें आपके अगेंस्ट हो जाएंगी, वर्नैकुलर प्रेस एक्ट 1878 में। अगर दूसरी बात मैं आपसे बात करूं, वर्नैकुलर प्रेस एक्ट तो ये हो गया, आर्म्स एक्ट भी इसने स्टार्ट किया था। आर्म्स एक्ट में क्या था, 1878 के आर्म्स एक्ट में था कि अगर आप लोगों को आर्म्स एक्ट की अगर मैं बात करता हूं, तो आर्म्स एक्ट में ये था कि अगर इंडियंस बंदूकें रखेंगे तो उनको लाइसेंस लेने की जरूरत है, अगर यूरोपियंस रखेंगे तो उनको जरूरत नहीं है। तो आंसर नंबर क्या बनेगा जी, डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए जी अगला क्वेश्चन बात करते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए जी, हु अमंग द फॉलोइंग एनालाइज द कॉजेज ऑफ द अपराइजिंग ऑफ 1857 एडवोकेटिंग ए रिकॉन्साइलेशन बिटवीन द ब्रिटिश एंड द मुस्लिम्स। देखिए इन्होंने एक पुस्तक का नाम ही है ये, कॉजेज ऑफ द 1857 रिवोल्ट, ठीक है, ये पुस्तक भी लिखी है और इन्होंने कॉजेज के बारे में बताया भी है, यस। और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, असबाब ए बगावत,
असबाब ए बगावत, असबाब ए बगावत, ठीक है, बगावत ए हिंद, ये पुस्तक लिखी गई थी, क्लियर। और ये भी लिखा है कॉजेज ऑफ इंडियन अपराइजिंग 1857, और ये लिखी थी सैयद अहमद खान ने। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, सर सैयद अहमद खान इज द करेक्ट आंसर, आंसर नंबर सी। समझ आया तुम्हें? जी, आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इनमें एक नाम और याद रखना है, सैयद मोहम्मद बरेलवी। ये अगर आपको पता होगा वहाबी मूवमेंट इन्होंने स्टार्ट करी थी, वहाबी मूवमेंट याद है तुम्हें, वहाबी मूवमेंट जो थी 1820s में थी आपकी, 1820 में आपकी स्टार्ट हुई हुई थी। और इसका जो मेन एम था वो ये था, क्योंकि ये रिवाइवलिस्ट मूवमेंट थी और इसमें ये था कि इस्लाम के की जो बातें हैं वो लोगों को अपनानी है। पॉइंट समझ आया? यस, जो इस्लाम की बातें हैं, ओरिजिनल स्पिरिट है उसको रिस्टोर करके रखना है और उनकी बातों को अपनाना है। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, सी ऑप्शन, सैयद अहमद खान। चलिए जी, अगला क्वेश्चन बात करते हैं। यस, एएमयू के साथ रिलेटेड करते हैं, वो आगे भी हम डिस्कस करेंगे, एएमयू के साथ, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के साथ, सर सैयद अहमद खान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु क्रिएटेड द मद्रास प्रेसिडेंसी एज इट एग्जिस्टेड टिल इंडियन इंडिपेंडेंस। मतलब मद्रास प्रेसिडेंसी को बनाया किसने था, आजाद होने तक भी वो मद्रास प्रेसिडेंसी थी हमारी, एंड दैट इज द सर थॉमस मुनरो। आंसर इसमें क्या बनेगा, ए, क्लियर। और अगर मैं तुमसे बात करता हूं, थॉमस मुनरो इज द करेक्ट आंसर। और मद्रास के अंदर, मद्रास के अंदर हमारी क्या थी, रियोतवाड़ी प्रथा, रियोतवाड़ी प्रथा थी आपकी। यहाँ पे एक एक किसान जो है अपना टैक्स भर के आता था अंग्रेजों के पास, और ये मुनरो ने बनाई थी। आंसर नंबर क्या बनेगा, ए इज द करेक्ट आंसर। लॉर्ड हास्टिंग, वॉरेन हास्टिंग की अगर मैं बात करता हूँ, लॉर्ड वॉरेन हास्टिंग याद है तुम्हें, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का इन्होंने पास किया था, जब इन्होंने ड्यूल गवर्नमेंट को खत्म किया था, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जो है 1774 में आपकी बनाई थी, कलकत्ता में बनवाई गई थी, क्लियर। लॉर्ड कॉर्नवालिस, फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया, और इन्होंने जमींदारी प्रथा स्टार्ट करी थी, जिन्हें हम क्या कहते हैं, परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल भी कहा जाता है, बंगाल में स्टार्ट की गई थी ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जॉन शोर, जॉन शोर की रिकमेंडेशन से, कब, 1793 में, क्लियर, ये याद रखना। लॉर्ड वेलेस्ले ने स्टार्ट किया था सब्सिडरी अलायंस, सहायक संधि, सहायक संधि, और इसमें यह था अंग्रेजों के साथ अलायंस करते थे, सहायक संधि 1798 में, और पहली स्टेट जो कैप्चर करी गई थी इसके अंदर, दैट वाज द हैदराबाद, निजाम ऑफ हैदराबाद ने साइन किया था। और सब्सिडरी अलायंस में यह था कि अगर आप लोगों को, अगर आप लोगों जो है इस अलायंस में आते हैं तो आपको करना क्या पड़ेगा, आपको ये करना पड़ेगा कि जो आपके दरबार में हम सेना रखेंगे, खर्चा आप दोगे, और जो हमारे ड्यूटी फ्री ट्रेड करेंगे हम लोग, ठीक है, कोई टैक्स वगैरह नहीं देंगे, प्लस उनका खर्चा जो भी है, और बाहर की फोर्सेस से हम आपको बचाएंगे। पॉइंट समझ आया? ये सारी चीजें यहाँ पे इन्होंने करी थी वेलेस्ले के द्वारा सब्सिडरी अलायंस में, सहायक संधि में। आंसर नंबर वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी, पहला इंडियन जिन्होंने रॉयल सोसाइटी ऑफ लंडन जो है आपका बनाया था, रॉयल सोसाइटी ऑफ लंडन किसने बनाया था, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू बी मेड ए फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी ऑफ लंडन, दैट इज ए सी वादिया। आंसर इसमें क्या बनेगा, बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, आंसर नंबर बी, यस, ए सी वादिया। पॉइंट समझ आया? यस, ए सी वादिया। श्रीनिवास रामानुजम जी, अगर हम बात करें, 22 दिसंबर हमारा नेशनल मैथमेटिक्स डे, नेशनल मैथमेटिक्स डे इनकी बर्थ एनिवर्सरी के ऊपर सेलिब्रेट किया जाता है। सीवी रमन तो आपको पता है, इन्होंने रमन इफेक्ट दिया था, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में बताया था इन्होंने। पीसी महानोबिस की बात करें तो इन्होंने सेकंड फाइव ईयर प्लान दिया था 1956 का, 1956 टू 61 का, जब हमारी जो है इंडस्ट्रीज के ऊपर फोकस करने की बात करी गई थी यहाँ पे। और पीसी महानोबिस इन्होंने इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट पे बनाया था कोलकाता के अंतर्गत। समझ आया? आंसर नंबर बी, आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए जी, अगला क्वेश्चन बात करते हैं। What was the reason for Gandhiji's support to decentralization of the power? Gandhiji का support to decentralization of power का reason क्या था? मतलब decentralization को क्यों चाहते थे? Decentralization ensure more participation of the people into the democracy. India had decentralization of power in the past. Decentralization was essential for the economic development of the country. Decentralization can prevent communalism. गांधी जी के अकॉर्डिंग ये था कि अगर डिसेंट्रलाइजेशन होती है तो हमारे भारत देश में जो आर्थिक वृद्धि होगी, आपकी जो आर्थिक विकास होगा वो सबसे ज्यादा देखने को हमें मिलेगा। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, सी। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब पावर्स नीचे तक डिवाइड कर दो, डिसेंट्रलाइजेशन डिविजन कर दो पावर की, लेकिन उससे क्या होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करी जाएगी। पॉइंट समझ आया? सी भी हो नहीं सकता, सी है। गांधी जी का मतलब ही ये था, ठीक है, इकोनॉमी बढ़ानी है हमें,
इकोनॉमिक पावर को बढ़ाना है हमने, तो आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू द महात्मा गांधी इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन द वर्ल्ड। स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स वर्ल्ड के अंतर्गत कौन सी है? इन नॉन वायलेंस ऑफ द ब्रेव, नॉन वायलेंस ऑफ द वीक, नॉन वायलेंस ऑफ द कोवर्ड जो कायरों की हिंसा, नॉन वायलेंस ऑफ द डाउन रोडल। किसकी की जो है भाई अहिंसा सबसे ज्यादा मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इसमें देखने को मिलती है, ये है आपकी नॉन वायलेंस ऑफ द ब्रेव। मतलब अगर कोई बंदा जो है आपका बहादुर है तो अहिंसा अगर करता है तो दैट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स। पॉइंट समझ आया? यस, आंसर नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। यस आंसर नंबर ए, यस आंसर नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। द बुक प्रिजन डायरी वॉज रिटन बाय, ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है? मैं तुम्हें एक चीज बताऊं, ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, डेफिनेटली आएंगे, मैं तुम्हें बता रहा हूं, ठीक है, याद करोगे तुम, पढ़ लो ढंग से, पढ़ लो पढ़ लो, मैं तुम्हें अभी भी कह रहा हूं क्वेश्चन आएंगे, पढ़ लो ढंग से। द बुक प्रिजन डायरी वॉज रिटन बाय, ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है? यस जी, ये लिखी गई है जेपी नारायण जी द्वारा, जयप्रकाश नारायण जी द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। आंसर नंबर क्या बनेगा? सी इज द करेक्ट आंसर। पॉइंट समझ आया? नहीं, सी जयप्रकाश नारायण जी ने लिखी है प्रिजन डायरी। महात्मा गांधी जी के बारे में तो सब कुछ ही बता दिया तुम्हें मैंने, वीडी सावरकर जी ने लिखी थी फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। पॉइंट समझ आया? मोरारजी देसाई जनता पार्टी के पहले प्राइम मिनिस्टर थे, ये हमारे जनता पार्टी के 1977 में ये प्राइम मिनिस्टर, 78 में प्राइम मिनिस्टर बने थे, पहली नॉन कांग्रेस सरकार इनकी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी, इंडिया हाउस कहां पे है? हाँ, इंडिया हाउस कहां पे है? इंडिया हाउस अगर आपको याद होगा, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 पास किया गया था, तब इन्होंने बोला था कि इंडिया हाउस बनाएंगे हम लंदन में, और इस लंदन में बैठेगा कौन? बैठेगा सेक्रेटरी, सचिव, क्लियर। और भारत में होगा गवर्नर जनरल तो था ही, उसको एडिशनल पोस्ट दी थी वायसराय की, तो गवर्नर जनरल वायसराय जो है वो इसको जवाब देगा, ये आगे क्वीन को जवाब देगा, क्वीन भी क्योंकि लंदन में है, तो ऑब्वियसली बात है इंडिया हाउस कहां पे बैठेगा? दैट इज द लंदन में होगा। पॉइंट समझ आया? तो आंसर इसमें क्या बनेगा जी आपका? सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। यस आंसर नंबर सी, लंदन इज द राइट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ दीज बैटल प्रूव डिसीजिव इन द एंग्लो फ्रेंच राइवलरी इन इंडिया। मतलब सीधी सी बात है कि अंग्रेजों ने फ्रांस को हरा दिया था, कंप्लीटली हरा दिया था, वो कौन सी लड़ाई में इन्होंने हराया था? अंग्रेजों ने फ्रांस को कंप्लीटली हरा दिया था, कौन सी लड़ाई में हराया था? दैट इज द बैटल ऑफ वैंडीवॉश। आंसर इसमें क्या बनेगा? ए इज द करेक्ट आंसर। बैटल ऑफ वैंडीवॉश 1760 में हराया था, 1760 में। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पॉइंट समझ आया तुम्हें जी? 1760 में हराया था, क्लियर। आंसर नंबर डी, यहां पे बैटल ऑफ श्रीरंगापट्टनम है, श्रीरंगापट्टनम जो है वो कैपिटल थी टीपू सुल्तान की, क्लियर। तो हमें एक याद करना है एंग्लो मैसूर वॉर, एंग्लो मैसूर वॉर, हमारी एंग्लो मैसूर वॉर जो हुई है वो कितनी हुई है? चार। पॉइंट समझ आया? पहले वाली जो हुई थी 1767 टू 69 में हुई है, दूसरे वाली जो बैटल हुई थी हमारी, यस, 1780 से 84 में हुई थी, और थर्ड वाली जो बैटल हुई थी 1790 से 92 में, और यहां पे जो है श्रीरंगापट्टनम की ट्रीटी साइन करी गई थी, और चौथी बैटल जो थी 1799 में थी, जब टीपू सुल्तान को हरा दिया गया था, मार दिया गया था, और टीपू सुल्तान को मारा किसने था? आर्थर वेलेस्ले ने मारा था, आर्थर वेलेस्ले ने मारा था, क्लियर। और टीपू सुल्तान जो है जैकोबियन क्लब का मेंबर है, ये जैकोबियन क्लब एक फ्रेंच क्लब है, ये याद रखना है। श्रीरंगापट्टनम में टीपू सुल्तान ने ट्री ऑफ लिबर्टी लगाया था, ट्री ऑफ लिबर्टी। पॉइंट समझ आया? उदारता का पेड़। आंसर नंबर वन, 7 साल लड़ाई हो रही थी, 1760 में हरा दिया था इनको। चलिए जी अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बताओ जी। अंग्रेजों ने यहां पे करेक्ट ऑर्डर बताइए, फैक्ट्री लगाने का करेक्ट ऑर्डर इनमें से क्या था जी? इनमें से करेक्ट ऑर्डर क्या था यहां पे जी? देखिए, सबसे पहली फैक्ट्री इन्होंने लगाई थी सूरत में, 1613-14 में लगाई थी, क्लियर, 13-14 में लगाई थी। दूसरे नंबर पे लगाई थी मद्रास के अंतर्गत। पॉइंट समझ आया? मद्रास में, और ये लगाई थी 1639 में, 1639 में। फिर उसके बाद बॉम्बे में लगाई गई थी 1667 में, यस, बॉम्बे में लगाई गई थी, बंगाल में लास्ट में लगाई गई थी, यस।
ये कितना बोला था मैंने, बॉम्बे में 1667, ठीक है, और कलकत्ता में 1690 में, 1690 के आसपास। तो यहां पे फैक्ट्री इस तरीके से लगी थी, तो ईयर याद रख लेना और बाकी फैक्ट्री भी याद कर लेना। अगर आपसे पूछा कि ईस्टर्न में यानी कि पूर्वी भारत में कहां पे लगाई गई थी, हरिहरपुर, इनके नाम ही पूछता है यहां पे, हरिहरपुर जो महानदी डेल्टा के पास है, और बलासो उड़ीसा के पास है ये इलाके, तो यहां पे लगाई गई थी। पॉइंट समझ आया? तो आंसर नंबर क्या बनेगा जी, सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर नंबर सी। नेक्स्ट, डू और डाई इज द फेमस स्लोगन गिवन बाय, ये करो या मरो का स्लोगन गांधी जी ने दिया था, महात्मा गांधी जी ने दिया था। ये कब दिया था, जब आपके भारत देश में क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था, भारत छोड़ो आंदोलन की बात चल रही थी। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को लॉन्च किया गया था, ग्वालियर टैंक से लॉन्च किया गया था, ग्वालियर टैंक से, ठीक है। और इस ये मूवमेंट जो थी लीडरलेस थी, इसका कोई भी लीडर नहीं था। गांधी जी ने नो डाउट स्लोगन दिया, लोग भड़क गए और वायलेंस होगी, वायलेंट मूवमेंट बन गई, हिंसाजनक ये मूवमेंट बन गई, बट इसका कोई भी लीडर नहीं था, ये याद रखना है। तो आंसर इसमें क्या बनेगा जी, महात्मा गांधी इज द करेक्ट आंसर, क्लियर, ये याद रखने वाला पॉइंट है। और वल्लभ भाई पटेल जी की मैं बात करूं, इन्होंने बारडोली सत्याग्रह किया था, बारडोली सत्याग्रह 1928 में, जब इनको टाइटल मिला था सरदार का, और सरदार का टाइटल दिया था विमेन, गांव की औरतों ने, अगर विमेन ऑप्शन में नहीं आता तो दूसरे नंबर पे महात्मा गांधी जी ने संबोधित किया था इनको, क्लियर, चलो ये याद छोड़ो। तो आंसर इसमें क्या बनेगा जी, ए, महात्मा गांधी इज द करेक्ट आंसर, महात्मा गांधी। चलिए जी अगला क्वेश्चन बताइए, गांधी जी इज बिलीव दैट, व्हाट इज द मीनिंग, गांधी जी इसमें किसमें बिलीव करते थे, एंड जस्टिफाइज द मींस, अंत औचित्य का अर्थ है, मींस जस्टिफाई एंड, मतलब अंत को सही नहीं, मतलब मींस मतलब कोई कार्य अगर आप कर रहे हैं किसी के थ्रू कर रहे हैं वो जस्टिफाई करता है एंड, नीदर एंड जस्टिफाइज मींस मींस नॉर मींस नीदर एंड जस्टिफाई नॉर द मींस जस्टिफाई द एंड, एंड एंड द मींस बोथ शुड बी जस्टिफाइज, क्या होगा इसके अंदर आंसर। तो गांधी जी जो चाहते थे, गांधी जी ने क्या कहा था कि मींस जस्टिफाई एंड, देखो सीधी सी बात ये है, मतलब क्या है कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं, देखो अगर आप कोई काम कर रहे हैं, लाइक फॉर एग्जाम्पल सपोज करो कि यहां से आप चल पड़े और आपको 50 किलोमीटर दूर जाना है, ठीक है, तो अब आप पैदल जा रहे हैं और आपके पास कह दिया कि भाई 2 घंटे में पहुंचना है, तो आप पैदल जा रहे हैं तो नहीं पहुंच पाएंगे, तो आपको क्या चाहिए होगा, साइकिल बाइक कुछ भी तो चाहिए होगा इस तरीके से, तभी तो पहुंचेंगे ना। वो साइकिल या बाइक क्या है, वो मींस है, पॉइंट समझ आया, मींस है वो, अगर वो मींस है तभी आप एंड को जस्टिफाई कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। ऐसा तो है नहीं भाई 1 किलोमीटर जो है मतलब 1 घंटे में आप 50 किलोमीटर कवर कर जाओगे, वो इम्पॉसिबल वाली बात है, पॉइंट समझ आया। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। चलिए जी अगला क्वेश्चन बताइए, आंसर नंबर बी, अगला क्वेश्चन बताइए। देखिए जी, आचार्य विनोबा भावे, मैंने आपको बताया था भूटान मूवमेंट, लैंडलेस मूवमेंट के साथ लिंक करते हैं। मेधा पाटेकर आपको पता है नर्मदा बचाओ आंदोलन के साथ संबंधित हैं। सुंदरलाल बहुगाना छिपको मूवमेंट 1973 उत्तराखंड में। जयप्रकाश नारायण जी संपूर्ण क्रांति एवरग्रीन रेवोल्यूशन के साथ संबंधित है। ये तो 4312 बनेगा राइट आंसर, आंसर इसमें क्या बनेगा, बी, 4312 इज द करेक्ट आंसर, आंसर नंबर बी। समझ आया, 4312 आंसर नंबर बी। नेक्स्ट, द इंग्लिश एस्टैब्लिश देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन इंडिया एट, ये अभी आपको मैंने बताया था, अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री यहां पे इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग कहां पे लगाई थी, सूरत में। सूरत में फैक्ट्री लगाने के लिए पहला भेजा किसको था, पहला किसको भेजा था, विलियम हॉकिंस, ठीक है, ये परमिशन लेने आया था, किससे परमिशन लेने आया था, जहांगीर से। तो इसने जहांगीर ने अपने दरबार में रख लिया इसको और इंग्लिश खान का टाइटल दे दिया। एक्चुअली रीजन वाज पोर्तुगीज, पोर्तुगीज का बोलबाला था तब तक, और ये इनको कोई भी चीज नहीं मिली, इसने अपने दरबार में रख लिया। फिर आया था थॉमस रॉय को परमिशन मिल गई थी और सूरत में फैक्ट्री लगा ली गई थी यहां पे। तो आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अदरवाइज अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री साउथ इंडिया में लगाई थी 1611 में, मसूलीपट्टनम। चलिए अगली बात करते हैं।
Who was the chairman of the Union Powers Committee of the Constitutional Assembly of India? देखिए Union Powers Committee के president कौन थे यहाँ पे, तो that is the पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, answer number A, D, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जी, और Union Constitution Committee के भी जो हैं आपके member यही थे। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर की बात करूं तो ये वो थे जिन्होंने स्पेशल कमेटी बनाई गई थी टू एग्जामिन द ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, टू एग्जामिन द ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन थे भीमराव अंबेडकर जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे फंडामेंटल राइट की कमेटी के चेयरपर्सन। आंसर नंबर फोर, आंसर नंबर फोर, पॉइंट समझ आया। अच्छा तुम्हें मैं एक चीज क्लियर कर दूं, ये जो मैं तुम्हें क्वेश्चन आज मैं करवा रहा हूं ठीक है, ये एनसीईआरटी से मैंने क्वेश्चन ले रखे हैं और ये क्वेश्चन आपके स्टैटिक क्वेश्चन है, पॉइंट समझ आया, क्योंकि हिस्ट्री को स्टैटिक समझना बहुत जरूरी है। स्टैटिक हमें क्लियर होते चले जाएंगे ना तो हम स्टेटमेंट बेस वाली चीजें ना आसानी से कर सकते हैं, अगर ये चीजें क्लियर होंगी तो स्टेटमेंट बेस वाली चीजें बहुत इजी क्लियर हो जाएंगी हमें, तो ध्यान से समझ के कीजिए ठीक है। ऐसा ना समझिए कि हाँ ये वन वर्ड आंसर आएंगे वहां पे तो आते नहीं है, वहां पे नहीं आते लेकिन उसके लिए इन चीजों का आना बहुत जरूरी है, तो मैं बता दूं, पॉइंट समझ आया, बाकी तुम्हारी मर्जी है, हम तुम्हें जबरदस्ती तो नहीं करेंगे भाई, रुको। Who said the Simon Commission report should be thrown on a heap of rubbish? मतलब रिपोर्ट को कचरे के ढेर पर फेंक देना चाहिए, किसने बोला था? साइमन कमीशन की रिपोर्ट को, यह बोला था शिव स्वामी अय्यर जी ने बोला था, पॉइंट समझ आया, बी, बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, शिव स्वामी अय्यर ने बोला था, क्लियर होगा तुम्हें, यस आंसर नंबर बी। अब बात यह है साइमन कमीशन बना कब था, 1927 में, भारत में आया था 1928 में। अब बात यह है कि इसकी जो रिपोर्ट थी वो क्या थी, ये किस चीज के ऊपर रिपोर्ट बनाने आया था, हमारा भारत देश कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म के लिए तैयार है या नहीं है ठीक है, और एक्चुअली प्रोविंशियल डायरकी के ऊपर रिपोर्ट बनाने आया था जो 1919 में, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 वाला आया था उसमें प्रोविंशियल डायरकी बोली गई थी, प्रांतीय द्वे शासन की बात करी गई थी, उसने बोला, वहां पर बोला गया था कि ये पावर्स आपको 10 साल के लिए मिल रही है, अगर 10 साल जो है देखेंगे तो 10 साल के बाद अगर आपकी नई पावर को डिसाइड किया जाएगा, 10 साल पहले से ही 27 में ये बन गया साइमन कमीशन ठीक है। जब साइमन कमीशन बनाया, साइमन कमीशन बनाने के बाद ही जो है ये सब कुछ आपका देखने को मिल गया, पॉइंट समझ आया जी, समझ आया तुम्हें, तो इसके बाद ये सब कुछ हुआ आपका, क्लियर। और बाकी देखते हैं महात्मा गांधी, ये पढ़ेंगे यार पॉइंट्स ठीक है, तो इसमें हम नहीं पढ़ेंगे इतना ज्यादा, ये सारे जो नाम आएंगे ना वो आगे आने वाले हैं, तो मैं वहां पे क्वेश्चन के रिगार्डिंग में आपको बताऊंगा। तो अब अच्छा, साइमन कमीशन में सारे के सारे वाइट मेंबर थे, ऑल वर वाइट मेंबर, कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था, इसीलिए इसका जो है बहिष्कार किया गया था, बायकॉट किया गया था। और एक किस चीज के ऊपर रिपोर्ट बनाने आया था, कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म के ऊपर, मैंने जैसे आपको बताया। और इस साइमन कमीशन में 7 मेंबर थे, और साइमन कमीशन में 7 मेंबर थे, और साइमन जो था आपका चेयरपर्सन था। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, ये टेलीग्राफ लाइन जो है सेटअप करी गई थी कलकत्ता से आगरा में, ये कब ओपन करी गई थी, कलकत्ता से आगरा ये कब ओपन करी गई थी, ये करी गई थी 1853 में, लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे, डलहौजी के टाइम पे करी गई थी, डलहौजी के टाइम पे, समझ आया, तो आंसर नंबर बी। और 1853 में डलहौजी के टाइम पे ही आपकी ट्रेन रन करी थी, 16 अप्रैल 1853 34 किलोमीटर ट्रेन रन करी थी बॉम्बे टू थाने, ठीक है। पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट इन्होंने बनाया था, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, और इंजीनियरिंग कॉलेज रुड़की जो है इन्होंने सेटअप किया था, शिमला को समर कैपिटल ऑफ इंडिया इन्होंने बनाया था, किसने, डलहौजी ने, डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैब स्टार्ट करी थी 1848 में, हड़प नीति के सिद्धांत, उसमें पहली स्टेट कैप्चर करी थी सतारा, मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया कहते हैं इनको, मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया। चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं, चलिए जी, अच्छा अच्छा फिर हैं, एक बच्चा कह रहा है, सूरज कह रहा है, सर बार बार ऑप्शंस को डिस्कशन किया करें, रिवीजन हो जाएगा, तो तुम क्या करोगे हैं, सारा कुछ मैंने करना है, तुम क्या करोगे, सर को लेके जाओगे पेपर में, तुम क्या करोगे, मलाई खाओगे हैं, चलिए जी। परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल स्टार्टेड कब किया गया था, ये आपको बताया था मैंने अभी 1793 में, क्लियर। जॉन शोर की रिकमेंडेशन थी, यहां पे पर्सन कौन है, लॉर्ड कॉर्नवालिस,
क्लियर, लॉर्ड कॉर्नवालिस, और कॉर्नवालिस सिविल सर्विसेज के जनक हैं, ये हमने बात करी थी, ठीक है जी। तो आगे बात करते हैं हाँ आ जाओ, क्लियर। लॉर्ड डलहौजी मैंने आपको सारा बता दिया। विलियम बेंटिक की अगर मैं बात करूं, ये पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने थे आपके 1833 में, 1833 में, क्लियर। और इन्होंने 1829 में खत्म करी थी सती प्रथा, सती प्रथा को खत्म किया था। 1835 में इंग्लिश लैंग्वेज इंट्रोड्यूस करी थी, इंट्रोड्यूस इन्होंने करी थी, रिकमेंडेशन किसकी थी, रिकमेंडेशन बाय मैकॉले। और ये मैकॉले जो है ना, इनको रिकमेंडेशन इन्होंने दी थी ना, मैकॉले ने दी थी, इसीलिए इनको फादर ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया कहा जाता है। लॉर्ड कर्जन की बात करूं, 16 अक्टूबर 1905 बंगाल पार्टीशन जो है इन्होंने करवाया था, किसने, इन्होंने जी। आ जाओ तो बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखिए। गांधी जी इज अपोज्ड द कम्युनल अवार्ड बिकॉज ही थॉट दिस वुड ब्रिंग, क्या होगा, क्या होगा इसमें, इससे क्या होगा, यस एनीवन। बिल्कुल सही, ठीक है। एक्चुअली ये हिंदू सोसाइटी में डिवीजन हो जाएगी, हिंदू समाज में विभाजन, क्योंकि ये जो कम्युनल अवार्ड दिया जा रहा था, ये मुस्लिम धर्म के लोगों को, क्रिश्चियन क्रिश्चियन लोगों को, यूरोपियन लोगों को, सबको क्या कह रहे हैं ये, एंग्लो एंग्लो इंडियंस को, ये सबको क्या कह रहे हैं, हम रिप्रेजेंटेशन देंगे, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन देने का मतलब ही क्या था यहाँ पे, बिगाड़ना, पॉइंट समझ आया, बिगाड़ना, हिंदू समाज में विभाजन। उस टाइम पे हम हिंदू समाज वर्ड यूज करते थे, चाहे देखो आज भी अगर तो मैं बात करूं, आजकल हमारे पॉलिटिकल लीडर्स बोलते हैं ना हिंदू समाज, हिंदू धर्म, हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, तो हिंदू राष्ट्र राष्ट्र करते रहते हैं, लेकिन हिंदू राष्ट्र का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हिंदू ही रहेंगे, बाकी धर्म के लोग नहीं रहेंगे। हिंदू राष्ट्र मतलब जैसे वो कहते हैं ना, वो अब तुम देखो हिंदू राष्ट्र का मतलब उस टाइम भी क्या था, यही बोलते थे वो कि भाई हिंदू सोसाइटी, दैट्स इट, और उसमें उसमें ये मुस्लिम लोग भी होंगे, उसमें क्रिश्चियन लोग भी होंगे, सब लोग रहेंगे, पॉइंट समझ आया। लेकिन बोला क्या जाएगा भाई, हिंदू राष्ट्र बोला जाएगा, हिंदू समाज बोला जाएगा, पॉइंट समझ आया जी, समझ आया। क्लियर। और इसी के लिए, इसी के लिए गांधी जी ने क्या किया था, भूख हड़ताल करी थी जेल में, कहां पे, जरवड़ा जेल में, पुणे में जेल में जो है इन्होंने जी, पुणे की जेल में इन्होंने क्या किया था, भूख हड़ताल करी थी, ठीक है। चलिए जी, उसके बाद गांधी अंबेडकर पैक्ट साइन हुआ था, रिप्रेजेंटेशन दे दी गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। Which of the following authorized the British government to imprison any person without trial and conviction in a court of law? ये क्या कह रहा है कि भाई किसी व्यक्ति को भी न्यायालय नहीं जाने देंगे, हम उसमें जेल में डाल देंगे, तो क्या था, नो दलील, नो वकील, नो अपील की बात करी गई थी, ये किस में बात करी गई थी, तो दैट इज द रॉलेट एक्ट ऑफ 1919 में। क्लियर, आंसर नंबर क्या बनेगा, ए, रॉलेट एक्ट ऑफ 1919। और मैंने तुम्हें बताया था रॉलेट एक्ट में क्या था, दो साल के लिए आपको जेल जाया जाएगा, वकील दलील अपील कुछ भी नहीं होगा, और क्या था, सेक्शन 144 जो है आपका लगाया गया था, ठीक है। और इसमें बोला गया था कि अगर कोई बंदा चार या चार से ज्यादा लोग खड़े हैं, ठीक है, आपस में खड़े हैं, और प्लस इसको जेल में डाल दिया जाएगा, बाकी तो वकील दलील अपील वाला कुछ भी केस नहीं होगा, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की अगर मैं बात करता हूं, इसको बोला गया था न्यू एक्ट ऑफ स्लेवरी,
न्यू एक्ट ऑफ स्लेवरी बोला गया था, किसने बोला था, जवाहरलाल नेहरू जी ने बोला था। और 35 के एक्ट से ही 75% भारत का कॉन्स्टिट्यूशन यहां से लिया गया है। यहां पे प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दे दी गई थी, प्रांतों को पूरी पावर, और प्रोविंशियल डायर्की जो है हटा दी गई थी, और डायर्की जो लगाई गई थी वो सेंटर में लगाई गई थी। ऑल इंडिया फेडरेशन की यहां पे बात करी गई थी कि हां सारे लोग संघ की तरह काम करेंगे। यहां पे 1909 का जो एक्ट था वो था मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। पॉइंट समझ आया, मॉर्ले कौन है, सेक्रेटरी, मिंटो कौन है, गवर्नर जनरल वाइसराय। और यहां पे क्या बात करी गई थी, सेपरेट इलेक्टोरेट की बात करी गई थी। क्लियर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 की बात क्या गई थी, यहां पे प्रोविंशियल डायर्की लगाई गई थी। क्लियर, और डायर्की लगाई गई थी और पावर्स को डिवाइड किया गया था, यानी कि ट्रांसफर पावर और रिजर्व पावर में रखा गया था। और 1919 के एक्ट को हम क्या कहते हैं, मोंटेक्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म कहते हैं। मोंटेक्यू यहां पे कौन है, दैट इज सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट। चेम्सफोर्ड कौन है, गवर्नर जनरल वाइसराय, ये याद रखना है। तो आंसर नंबर वन। चलिए जी अगला क्वेश्चन बात करते हैं। अगला क्वेश्चन बताइए, थियोसॉफिकल सोसाइटी एस्टैब्लिश इज हेडक्वार्टर इन इंडिया। देखिए थियोसॉफिकल सोसाइटी जो है वैसे तो 1875 में बनाई गई थी और न्यूयॉर्क में बनाई गई थी, और इसमें कौन कौन से लोग इन्वॉल्व थे, मैडम ब्लावस्की, ब्लावस्की और एच एस ऑलकॉट, ये दो पर्सन इन्वॉल्व थे। ये एक्चुअली क्या था, ये हिंदुइज्म से बहुत प्रभावित थे, हिंदुइज्म से बहुत प्रभावित थे, और उनकी जो हिंदुइज्म की हमारी जो टीचिंग्स हैं उनको फैला रहे थे, और ऐसे ही ये भारत देश में आ गए, और भारत देश में इन्होंने अदियार हेडक्वार्टर बनाए थे, अदियार, मद्रास अदियार। और यहां पे फिर ज्वाइन किसने किया था, एनी बेसेंट ने भी इनको ज्वाइन किया था। एनी बेसेंट जो आयरलैंड से आई हुई लेडी है, इन्होंने भी ज्वाइन किया था थियोसॉफिकल सोसाइटी को। अगर तुमसे पूछा थियोसॉफिकल सोसाइटी स्टार्ट किसने करी है, तो आपका आंसर क्या बनेगा, इन दोनों लोगों ने ही स्टार्ट करी है, ये इन्वॉल्व नहीं है, एनी बेसेंट इन्वॉल्व नहीं थे, एनी बेसेंट तो इसका पार्ट बनी थी बाद में। पॉइंट समझ आया, ये याद रखना। बाकी अदियार उसके हेडक्वार्टर थे होम रूल लीग के, किसके, एनी बेसेंट के। चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं, इनमें से जो इनकरेक्ट मैच है वो क्या है, इनकरेक्ट मैच क्या है इनमें से। कोलंबस भारत में आया था 1492 में, यस। वास्को डिगामा आया था 1498 में, मैगेलन 1520 में, बालबोआ ये नहीं आया था। पॉइंट समझ आया, तो आंसर इसमें क्या बनेगा, फोर। सो बालबोआ नहीं था, आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, यस जी। क्लियर, आंसर नंबर डी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी, मैक्सिमम ट्रेड जो है वेस्टर्न कोस्ट के ऊपर जो रूल करता था कौन करता था। अगर आपको याद होगा अभी मैंने आपसे बात करी थी, सूरत में फैक्ट्री लगानी थी अंग्रेजों ने, विलियम हॉकिन को भेजा था, नहीं मिली थी, क्यों, रीजन वॉज पोर्तुगीज। तो वेस्टर्न इंडिया में ही है ये, वेस्टर्न कोस्ट के ऊपर ही है आपका कौन सा, सूरत, तो ऑब्वियसली बात है सूरत मतलब गुजरात में आ गया, तो यहां पे कंट्रोल किसका चल रहा है, पोर्तुगीज का रूल चल रहा है यहां पे। तो आंसर नंबर क्या बनेगा, ए इज द करेक्ट आंसर। और पोर्तुगीज में आने वाला जो पहला पर्सन था 1498 में वास्को डिगामा आया था, और कहां के रास्ते से आया था, केप ऑफ गुड होप के रस्ते से। जब भारत देश में आया था तो ये कहां पे पहुंचा था, कैलिकट, कहां पे, और राजा कौन था वहां पे, जैमोरिन। क्लियर, भारत में आने वाला पहला जो पोर्तुगीज थे और जाने वाले भी पोर्तुगीज थे। 1961 में हमने आजाद करवाया था पोर्तुगीज, गोवा आजाद करवाया था इनसे। क्लियर, तो आंसर नंबर क्या बनेगा जी, वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समझ आया, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए जी, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक के ऊपर क्वेश्चन है। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक क्या था ये, व्हाट वाज दैट, अहमदाबाद सत्याग्रह ऑफ गांधी जी वाज डायरेक्टेड अगेंस्ट। एक्चुअली क्या था इनका जो मतलब वो था, मतलब 1918 में सत्याग्रह किया गया था, और ये था इंडियन मिल ओनर्स एंड द नॉन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ इनका गड़बड़ चल रही थी। एक्चुअली क्या था, जो वर्कर्स चाहते थे भाई, वर्कर्स चाहते थे कि हमारी जो 50% तनख्वाह है, जो वेजेस हैं वो बढ़ाए जाएं,
और ये जो मालिक हैं इनके, वो कह रहे थे कि नहीं हम 20% बढ़ाएंगे, 50% नहीं बढ़ाएंगे। उस टाइम पे चीजों के प्राइसेस जो है बहुत बढ़ रहे थे, तो इन्होंने हाइक करने की बात करी, 50% डिमांड किया, लेकिन इन्होंने 20% हाँ बोला था, और इसी के लिए गांधी जी ने कहा कि करो अहमदाबाद मिल स्ट्राइक करो। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, बी। जी आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो मैच ऑफ द फॉलोइंग करो, ये क्या है, जयप्रकाश नारायण जी, तो इनको क्या बोलते हैं, लोकनायक। नंबर तीन, सी एफ एंड्रयू किसे बोला जाता है, ये बोलते हैं दीन बंधु जी को। दादाबाई नौरोजी को क्या बोलते हैं, दादाबाई नौरोजी को बोलते हैं ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। और लाला लाजपत राय को बोलते हैं पंजाब केसरी। नंबर फोर, तीन एक दो चार कहां पे है, ये बनेगा बी ऑप्शन, तीन एक दो चार इज द करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, तीन एक दो चार। समझ आया तुम्हें, यस। आप मुझे बताएंगे राजा जी किसे कहते हैं, राजा जी, राजा जी बोलते हैं सी राजगोपालाचार्य को। क्लियर, जो हमारे आजाद भारत के पहले गवर्नर जनरल वाइसराय बने थे, नॉट सी आर दास, सी आर दास इज द चितरंजन दास, नॉट सी राजगोपालाचार्य को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी, मॉर्ले पिंटो रिफॉर्म में किन की सीटों को रिजर्व किया गया था। आपके, मैंने आपसे बोला था ना, हिंदू हिंदू वोट करेगा, मुस्लिम मुस्लिम को वोट करेगा, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म आया है। मॉर्ले कौन है, सेक्रेटरी है, मिंटो कौन है, मिंटो कौन है, वाइसराय, ठीक है। और ये 1909 में देखने को आपको मिला था, और ये मुस्लिम्स के लिए था, आंसर नंबर बी, मुसलमानों के लिए था, सीट्स रिजर्वेशन की बात यहां पे करी गई थी। क्लियर, मेनली ये था इसका, देख लो यार, ठीक है। इसमें सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में लोग बढ़ाए जाएंगे, और लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो लोगों को 50 नंबर रखा जाएगा, काफी, जैसे बंगाल, मद्रास, बॉम्बे, यूनाइटेड प्रोविंस वगैरह में। क्लियर, तो ये था आपके प्रोविजंस। नेक्स्ट, गांधीयन सोशलिज्म का मतलब क्या है जी, गांधीयन सोशलिज्म का मतलब क्या है, गांधी जी सोशलिज्म में क्या कहते हैं कि हाँ स्टेट का होना कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, स्टेट इज नॉट रिक्वायर्ड। स्टेट रिक्वायर्ड का मतलब क्या है, यहां पे कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमने अभी बात करी थी गांधी जी क्या चाहते, क्या थे, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। उसका मतलब क्या था, जो मींस है वो जस्टिफाई करेंगे एंड को, लेकिन उसमें स्टेट की कोई जरूरत नहीं है। पावर्स डिवाइड कर दो, इकोनॉमिक पावर एक्टिविटी जो होगी वो अपने आप चलाएंगे लोग, ठीक है, तो उसमें स्टेट की कोई रिक्वायरमेंट यहां पे नहीं होगी। तो आंसर नंबर क्या बनेगा, बी। क्लियर, नहीं 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 नहीं, स्टेट इज नॉट रिक्वायर्ड, गांधी जी ने ये बोला था, आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया तुम्हें, आंसर नंबर बी। और ये कहां से बोला गया था, कहां पे, इन्होंने हिंद स्वराज में बात करी है इसके बारे में, हिंद स्वराज में, किसमें, गांधी जी ने, गांधी जी की बुक लिखी थी ना आपने, हिंद स्वराज, आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए जी क्या कहते हैं, ये कुछ रिवोल्ट के पीरियड हैं, और कहां कहां पे रिवोल्ट हुआ था 1857 का, इनकरेक्ट पेयर बताइए कौन सा है। रानी लक्ष्मीबाई इंदौर, ये तो गलती हो गया, झांसी से लड़ी थी ये। खान बहादुर खान रोहिलखंड से, कुंवर सिंह शाहबाद, ये वहां पे है, बिहार में है, ठीक है, नाना साहिब कानपुर, ये सारे सही है, ये गलत हो गया है। आपका आंसर क्या बनेगा, वन, आंसर नंबर वन। रानी लक्ष्मीबाई जो है ये ग्रेट मिलिटेंट है, आपकी ग्रेट मिलिटेंट है 1857 रिवोल्ट की, किसने बोला था, ह्यूज रॉस ने बोला था, और ह्यूज रॉस ने ही रानी लक्ष्मीबाई को हराया था, आंसर नंबर वन, आंसर नंबर वन इज द करेक्ट आंसर। समझ आया, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोहम्मद अली जिन्ना के नाम पे एक टावर बनाया गया है, मीनार बनाई गई है, ये कौन सी जगह के ऊपर देखने को हमें मिलती है, यस एनीवन, कहां पे है ये, कहां पे मीनार है वो देखने को हमें मिलती है, एंड दैट इज इन द गुंटूर, गुंटूर आंध्र प्रदेश में बनाई गई है ये, आंसर नंबर डी। क्लियर, गुंटूर आंध्र प्रदेश, गुंटूर जो है टोबैको बोर्ड ऑफ इंडिया के हेडक्वार्टर है, टोबैको इंडिया में पोर्तुगीज लेके आए थे, लेकिन जहांगीर ने इसकी कंजम्पशन बैन करी हुई थी। टोबैको बोर्ड ऑफ इंडिया के हेडक्वार्टर, आपको बता दिया, नो टोबैको डे कब होता है, 31st ऑफ मई को। क्लियर, ये याद रखना,
मोहम्मद अली जिन्ना हम बाद में बात करेंगे, इनका टॉपिक क्वेश्चन आगे भी है मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में, तो मैं वहां पे आपको बताऊंगा मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में, ठीक है। तो अभी इतना ही समझो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी। किसने जो है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है ये लिखा था, ठीक है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, इनमें से किसी ने नहीं लिखा था, लेकिन हमें टिक करना पड़ेगा, तो आंसर में हम रामप्रसाद बिस्मिल जी टिक करेंगे, लेकिन रामप्रसाद बिस्मिल जी नहीं है, बिस्मिल अजीमाबादी ने लिखा था, बिस्मिल अजीमाबादी ने लिखा था। पॉइंट समझ आया तुम्हें, इन्होंने लिखा था और इन्होंने प्रचलित किया था, मतलब ये बोलते रहते थे, इन्होंने गा के प्रचलित किया था इसको, पॉइंट समझ आया, अदरवाइज बिस्मिल अजीमाबादी का है। जैसे मोहम्मद इकबाल है, इन्होंने सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है ये इन्होंने लिखा था, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, क्लियर, याद रखना। और ऐसे ही इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, लॉन्ग लिव रेवोल्यूशन की जब बात करी गई थी तो ये किसने दिया था, हसरत मोहानी ने, ये वर्ड दिया था हसरत मोहानी ने, लेकिन इसको प्रचलित किसने किया था सबको पता है, दैट इज कौन थे, भगत सिंह जी, भगत सिंह जी ने इसको प्रचलित किया था, क्लियर, आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। और रामप्रसाद बिस्मिल जी किसके साथ लिंक करते हैं, रामप्रसाद बिस्मिल जी, राजेंद्र लहरी, रोशन सिंह, अशफाक उल्ला खान, ये बिलोंग करते हैं काकोरी ट्रेन इंसिडेंट के साथ, ठीक है, जब इन्होंने ट्रेन लूटी थी। अगला क्वेश्चन देखिए जी, ये सारे हम डिस्कस कर चुके हैं, सारे के सारे एक्ट वगैरह। तो इंडियंस को रिप्रेजेंटेशन पहली बार कब मिली थी, इंडियंस को रिप्रेजेंटेशन पहली बार कब मिली थी यहां पे, यस, इंडियंस को रिप्रेजेंटेशन इन्होंने दी थी इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म में, और यहां पे हिंदू मुस्लिम की बात भी करी गई थी और रिप्रेजेंटेशन भी दी गई थी इंडियंस को पहली बार। 1919 का एक्ट मैंने आपको बता दिया है, 19 का और 35 का दोनों एक्ट मैंने बता दिए हैं, तो आंसर नंबर वन इज द करेक्ट आंसर, आंसर नंबर वन। चलिए जी अगला क्वेश्चन बात करते हैं। द एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्सिक्वेंसिस ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857 वॉज अ ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम, देखिए जी रिवोल्ट जो 1857 का हुआ था उससे पावर कहां पे चली गई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी से चली गई थी ब्रिटिश क्राउन के पास, आंसर नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। और इसमें पास किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, और यहां पे इसे हम कहते हैं गुड गवर्नेंस का एक्ट कहा जाता है, और यहां पे रानी ने क्या बोला था, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स खत्म करी जाएगी, सबको इक्वालिटी दी जाएगी, समानता दी जाएगी आपको, ठीक है, और धर्म के काम में इंटरफेरेंस करना हम बंद करेंगे। तो इन्होंने सिर्फ और सिर्फ ये बात मानी थी, बाकी नहीं मानी थी, क्लियर। और साथ के साथ यहां पे ये भी बात करी गई थी कि गुड गवर्नेंस एक्ट में 1858 के एक्ट में ये भी बात करी गई थी कि जो है एक जो गवर्नर जनरल है वो उसको एडिशनल पोस्ट मिलेगी वाइसराय की, और मैंने आपको बताया था सेक्रेटरी बैठेगा लंदन में, वो बातें बताया करेगा भाई इंडिया, ये वाइसराय उसको बताएगा, सेक्रेटरी को सेक्रेटरी, क्वीन को बताएगा, तो आंसर नंबर वन। चलिए जी अगला क्वेश्चन बताइए, द इशू ऑन विच द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ऑफ 1930 वॉज लॉन्च्ड वॉज, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट गांधी जी ने लॉन्च करी थी, ठीक है, और साबरमती आश्रम से स्टार्ट करी थी और दांडी पहुंचे थे, दांडी मार्च याद होगा आप लोगों को, दांडी मार्च पहुंचे थे ये, और इन्होंने स्टार्ट कब करी थी, 12 मार्च 1930 से लेके 6 अप्रैल 1930 तक इन्होंने रास्ता कवर किया था, क्लियर, 24 दिन में रास्ता कवर किया था, 240 माइल्स का रास्ता था ये और 385 किलोमीटर था, गांधी जी के साथ 78 लोग थे और एक थे गांधी जी, तो टोटल हो गए 79। तो इसमें बात क्या थी, सॉल्ट मोनोपोली के ऊपर बात करी गई थी, सॉल्ट की मोनोपोली कर दी थी अंग्रेजों ने, सॉल्ट के ऊपर भी हमारे से टैक्स लेने लग गए थे, और इसके लिए जो है गांधी जी ने यह बात करी थी, दैट इज सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सवन्यावज्ञा आंदोलन बात करी थी, तो आंसर नंबर सी। नेक्स्ट, व्हाट वाज नॉट ट्रू अबाउट द सर सैयद अहमद खान, सर सैयद अहमद खान के बारे में इनमें से कथन कौन सा सही नहीं है, कौन सा कथन इनमें से सही नहीं है, यस जी देखिए जी, नंबर वन, ही फाउंडेड द मॉमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़, यस ये बिल्कुल सही है, 1875 में ये स्टार्ट किया गया था। ही वॉज ए लीडर ऑफ मुस्लिम लीग, नहीं ये कभी भी मुस्लिम लीग के लीडर नहीं रहे हैं, मुस्लिम लीग जो बनी थी 1906 में बनी थी और नवाब सलीमुल्ला खान ने बनाई थी, नवाब सलीमुल्ला खान ऑफ ढाका ने बनाई थी ये, ठीक है, और ये जो है नवाब सलीमुल्ला खान ऑफ ढाका, आगा खान, क्लियर, ये लोग मेन पर्सन इन्वॉल्व है यहाँ पे, तो ये नहीं थे। ही वॉज ए लीडर ऑफ अलीगढ़ मूवमेंट, यस
अलीगढ़ मूवमेंट के ये लीडर थे आपके, यस बिल्कुल सही है आप लोगों का, ठीक है। और ही अपोज द इंडियन नेशनल कांग्रेस, यस ये इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को भी अपोज किया था। तो आंसर नंबर क्या बनेगा जी, बी, ये कथन आपका बिल्कुल भी सही नहीं है। मुस्लिम लीग के लीडर नहीं थे, द फाउंडर ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ये है, और सर सैयद अहमद खान, और इट वॉज कॉन्फर्ड द टाइटल ऑफ डेट इज कॉल्ड जाबुद उद दौला इन 1842 बाय द बहादुर शाह जफर टू। ये याद रखना, बहादुर शाह जफर जो सेकंड है, 1842 में इन्होंने टाइटल दिया था जाबुद उद दौला, क्लियर। और इन्होंने बुक लिखी है, आपको बताया था कॉजेज ऑफ इंडियन म्यूटिनी बुक लिखी है इन्होंने। मुस्लिम लीग इन्होंने फॉर्म द मुस्लिम लीग विच में, हाँ इन्होंने फॉर्म करी थी मुस्लिम लीग जो बाद में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनी थी, ठीक है। तो लेकिन ही वॉज ए लीडर ऑफ, नहीं लीडर नहीं थे, पहली बात तो लीडर नहीं थे वहां पे, बट हिज व्यूज चेंज आफ्टर द हिंदू उर्दू कॉन्ट्रोवर्सी, चलो जो भी है। तो आंसर इसमें क्या बनेगा जी, बी। जी जी अगला क्वेश्चन बताइए। वन सेकेंड, हाँ हाँ जी। सो अगला क्वेश्चन देखिए जी, स्क्रीन के ऊपर हमारा क्या कहता है, तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इंडिगो प्लांटर्स ने, मतलब इंडिगो प्लांटर्स की एक रिवोल्ट हुआ था, तो उन्होंने नील दर्पण पुस्तक में लिख दिया था, तो किसने लिखा था, तो दीन बंधु मित्रा ने लिखा था, और ये रिवोल्ट भी हुआ था, और बुक भी इसी ईयर छापी गई थी 1858-1859 में था। पॉइंट समझ आया, तो दीन बंधु मित्रा ने भी यही किया था, पॉइंट समझ आया। तो आंसर नंबर वन इज द करेक्ट आंसर, आंसर नंबर वन क्लियर हो गया तुम्हें। बंकिम चंद्र चटर्जी, आपको याद है इन्होंने क्या क्या पुस्तक लिखी है, देवी चौधरानी पुस्तक इन्होंने लिखी है, यस कपल कुंडल, बिल्कुल सब कुछ इन्होंने लिखा हुआ है, यस बिल्कुल सही, क्लियर। रविंद्रनाथ टैगोर जी की अगर हम बात करें तो इन्होंने क्या लिखा है, इन्हें बार्ड ऑफ बंगाल कहते हैं, और इन्होंने काबुली वाला गीतांजलि, ये सारी पुस्तकें इन्होंने लिखी हैं, कि इन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। रविंद्रनाथ टैगोर जी को गुरुदेव बोला गया था, गुरुदेव का टाइटल किसने दिया था, महात्मा गांधी जी ने दिया था, क्लियर, यस। ये बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ भी लिखी है, आनंद मठ। तो आंसर इसमें क्या बन गया जी आपका, वन ऑप्शन। चलिए जी अगला क्वेश्चन बताइए। देखो इसमें ना दो चार बच्चे ऐसे तो हर क्लास में होते हैं, मैं तुम्हें एक चीज बताता हूं, जब हम घर में खाना खाते हैं ना, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि वो बात क्या कर रहे हैं। जब हम घर में खाना खाते हैं, जैसे अभी तुमने खाना खाया होगा, रात का खाना खाया होगा, ठीक है, जा सुबह में खाना खाया होगा, तो हम मम्मी से ये पूछते हैं कि मम्मी कल रात को क्या बनेगा, नहीं पूछते ना, परसों रात को क्या बनेगा, नहीं पूछते ना, बिल्कुल भी पूछते, अरे जो बन गया खा लेंगे, ठीक है। तो जब हमारी क्लास ये वाली चल रही है, मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास चल रही है, आप इस क्लास के इसको क्लास को पढ़ोगे या ये पूछोगे सर एंशियंट हिस्ट्री कब स्टार्ट कर रहे हो, सर वो लेबर लॉ कब पढ़ाओगे, सर वो क्लास कब लोगे, सर मेरी तो इसकी क्लास है, जा ऐसे करोगे तुम लोग, हैं बताइए थोड़ा सा, मतलब ऐसे करते हैं हम लोग, नहीं ना, तो हमें जो चीज क्लास में है तो उस क्लास को देखना चाहिए ना। व्हाई यू आर लाइक कि यार अगले दिन क्या होने वाला है,
अरे यहां पे जी लो, पहले प्रेजेंट में रह लो थोड़े से। गांधी जी का डेफिनेशन जो है राम राज्य के बारे में क्या था जी? जी बताओ बताओ बताओ, देख रहा हूं मैं तुम्हारे क्या आंसर आ रहे हैं। जी, तो इस वर्ड का मतलब है सॉवरेनिटी ऑफ द पीपल बेस्ड ऑन द प्योर मॉरल अथॉरिटी, शुद्ध नैतिक अधिकार पे आधारित लोगों का संप्रभुता, तो दैट इज द राम राज्य। चलिए जी अगला क्वेश्चन बात करते हैं। चलिए जी अगला क्वेश्चन बात करें। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो है पहली बार किसने साइन किया था? मतलब एक्चुअली क्या था कि जब भारत देश आजाद हो गया था ना, ठीक है, भारत देश आजाद हो गया था तो एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जारी किया गया था कि अगर किसी स्टेट ने इंडिपेंडेंट रहना है तो रह ले, पाकिस्तान के साथ ज्वाइन करना है पाकिस्तान से करे, इंडिया के साथ ज्वाइन करना है इंडिया के साथ करे। तो पहली जो थी आपकी, किसने साइन किया था? दैट इज फर्स्ट टू साइन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। यस एनीवन? बताओ 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 जी। एक्चुअली ये साइन किया था दीवान ऑफ त्रेवनकोर ने साइन किया था 18 जून 1947 में। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पहली बार इसने साइन किया था और इसमें बोला था कि मैं इंडिपेंडेंट हूं। पॉइंट समझ आया? इन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया था। इंडिपेंडेंट, ये हैदराबाद तो बाद की बातें हैं जब हमारा देश आजाद हो चुका था। यहां पे हम बात क्या कर रहे हैं, जून 18 1947 की। पॉइंट समझ आया? और जब हमारा भारत देश आजाद हुआ था तो अगस्त 1947 में आजाद हुआ है, ठीक है? तो अगस्त 1947 में आजाद होने के बाद, आजादी के बाद हैदराबाद थी जिसने साइन किया था, लेकिन सबसे पहली वाली क्या थी आपकी, दैट इज दीवान ऑफ त्रेवनकोर। पॉइंट समझ आया? तो तभी तो मैं कह रहा हूं बेसिक स्ट्रांग कर लो पहले, बेसिक स्ट्रांग कर लो पहले। हाँ चलिए। द डिक्लाइन ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री इन द 19th century वॉज एट्रीब्यूटेड टू। भाई देखो यार, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जो है हमारी, हस्तशिल्प उद्योग जो है, ये फेल क्यों हुआ था? क्योंकि अंग्रेजों से कंपटीशन मिल रहा था, बिल्कुल सही है। हमारे इंडियन प्रिंसली कोर्ट्स डिसअपियर हो रही थी और एलियन रूल्स सेटअप हो रहा था, ये सारे के सारे पॉइंट आपके बिल्कुल सही है। तो इसी के कारण इनकी पॉलिसीज गलत थी। पॉइंट समझ आया जी? इनकी पॉलिसीज गलत थी, हमारे साथ आगे हमारे साथ उल्टा उल्टा व्यवहार होता था, तो ऑब्वियसली बात है भाई हम कहाँ जाएंगे, गलत हो जाएगा। चलिए जी अगला क्वेश्चन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लॉर्ड क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव, इसने ड्यूल गवर्नमेंट लगाई थी बंगाल में 1765। बंगाल अलाहाबाद की ट्रीटी साइन हुई थी ना, तब इन्होंने ड्यूल गवर्नमेंट सेटअप करी थी और ड्यूल गवर्नमेंट 1773 के एक्ट में खत्म करी गई थी। ये बनेगा चार। लॉर्ड वेलेस्ले, इसने क्या किया था, सब्सिडरी अलायंस, सहायक संधि, आपको बात करी थी 1798। लॉर्ड डलहौजी 1848 में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, क्लियर। लॉर्ड कर्जन, इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904, 1904 का। तो 4-1-3-2 कहां पे है ये बनेगा बी ऑप्शन, 4-1-3-2, 4-1-3-2। इनमें से कौन सा ऐसा लीडर है जो असैसिनेट नहीं हुआ था? इनमें से ऐसा कौन सा लीडर है जो असैसिनेट नहीं हुआ था? महात्मा गांधी, लियाकत अली खान, लॉर्ड माउंटबेटन, मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना असैसिनेट नहीं हुए थे, इनको मारा नहीं गया था, ये तो खुद मर गए थे, बाकी लोगों को असैसिनेट किया गया था। आंसर नंबर सी, आंसर नंबर सी, मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, यहां पे लिखा गया है वॉज नॉट असैसिनेटेड, ठीक है, गोली मार के हत्या नहीं करी गई थी, जिन्ना थे वो।
जिनकी हत्या नहीं करी गई थी। चलिए ट्रीटीज के बारे में बताइए, ये ट्रीटीज कब साइन करी गई थी। जी ट्रीटी ऑफ अमृतसर, जब पहली एंग्लो सिख वॉर हुई थी 1846 में ये ट्रीटी साइन करी गई थी। ट्रीटी ऑफ बसीन जो साइन करी गई थी बाजीराव वन के साथ साइन करी गई थी, सॉरी बाजीराव टू के साथ साइन करी गई थी अंग्रेजों की 1802 में। क्लियर। ट्रीटी ऑफ श्रीरंगापट्टनम की अगर मैं बात करता हूं तो 1792 में सेटल करी गई थी। ट्रीटी ऑफ सालबाई कब करी गई थी, 1782 में। ट्रीटी ऑफ सालबाई 1782 अंग्रेजों और मराठा सरकार के बीच में थी। पॉइंट समझ आया जी। तो अब यहां पे क्रोनोलॉजी लगा दूं भाई, क्या बनेगा इसका आंसर। तो क्या बन रहा है, तो पहले बनेगा डी, फिर बनेगा सी, फिर बनेगा बी, फिर बनेगा ए। डी सी बी ए कहां पे है, ये है थर्ड ऑप्शन। डी सी बी ए इज द करेक्ट आंसर, थर्ड ऑप्शन। समझ आया, चलिए आगे बढ़ते हैं। Who was a national leader who wrote the history of India on the walls of Andaman Cellular Jail? History लिख दी थी उन्होंने Andaman Cellular Jail में, Andaman Nicobar Jail में, Cellular Jail में, and that person was Veer Savarkar. Veer Savarkar. Answer number क्या बनेगा, C option. Veer Savarkar. Point समझ आया तुम्हें? जी, विनायक दामोदर दास सावरकर, बिल्कुल सही। नंदालाल बोस तो एक पेंटर थे और हाँ ठीक है, और अंबेडकर जी तो हमने बात कर ली, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन। ज्योतिबा फुले, इन्होंने कौन सा समाज स्थापित किया था, सत्यशोधक समाज, सत्यशोधक समाज। गुलामगिरी जो है इनकी पुस्तक का नाम है। लोअर कास्ट के लिए काम करते हैं, ब्राह्मणिज्म के अगेंस्ट हैं, सत्यशोधक समाज के लोग। चलिए जी, हु डिक्लेयर्ड एज हिज द अल्टीमेट एम द वाइपिंग ऑफ एवरी टीयर फ्रॉम एवरी आई। जी, हर आंख से आंसू पोंछने की घोषणा करी थी, ये करी थी गांधी जी ने। आंसर नंबर बी। देखो मैं तुम्हें बता रहा हूं, मैं बहुत आपको स्टैटिक पढ़ा रहा हूं आज, ठीक है, ये स्टैटिक पता होने चाहिए तुम्हें। पॉइंट समझ आया, स्टैटिक पता होने चाहिए। मैं तुम्हें बता रहा हूं, बार बार बता रहा हूं, ये काम आएंगे तुम्हें। जब वो स्टेटमेंट लिखता है ना, एक दो तीन चार स्टेटमेंट लिखता है, तो एक स्टेटमेंट में ऐसा स्टैटिक पॉइंट लिखेगा जो तुम्हें पता नहीं होगा। पॉइंट समझो ध्यान से, वो एक ऐसा पॉइंट स्टैटिक लिखेगा जो तुम्हें पता नहीं होगा, तभी वो स्टैटिक पॉइंट चल रहे हैं यहाँ पे तुम्हारे। आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, बाल गंगाधर तिलक जी के बारे में भी, ये सब के बारे में डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, दैट इज महात्मा गांधी जी। चलिए जी, इनमें से फ्रेंच, वन सेकेंड, ये तो हो गया क्वेश्चन। इनमें से फ्रेंच सेटलमेंट भारत देश में कौन सी नहीं है, फ्रेंच सेटलमेंट इनमें से कौन सी नहीं थी, नॉट ए सेटलमेंट, फ्रेंच सेटलमेंट इन इंडिया कौन सी नहीं थी। यस, पुडुचेरी, माहे, चंद्रनगर, गोवा। सो गोवा वॉज नॉट द सेटलमेंट, आंसर नंबर सी। समझ आया, आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, गोवा नहीं थी जी, गोवा नहीं थी। गोवा तो किसके पास था, पोर्तुगीज के पास था। पॉइंट समझ आया, यस पोर्तुगीज के पास था। चलिए जी नेक्स्ट, गांधी जी इज कंसीडर्ड खादी एज ए सिंबल ऑफ, गांधी जी का मतलब क्या था, सिंबल ऑफ खादी का सिंबल। मैंने तुम्हें अभी क्या कहा था कि वो एक्चुअली क्या चाहते थे, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, तो ये एक इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस का क्या था, आपका सिंबल था। आंसर नंबर बी जी, आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। और खादी को नेशनल जो है ड्रेस घोषित किया गया था कब, जब आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च किया गया था भारत देश में। आंसर नंबर बी, क्लियर। चलिए जी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में पहली स्टेट जो कैप्चर करी गई थी वो कौन थी, कौन सी थी, सतारा। सतारा को कैप्चर किया गया था 1848 में ही, 1848 में ही डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लॉर्ड डलहौजी ने स्टार्ट करी थी। और झांसी को कैप्चर किया गया था आपका कब, यस झांसी को कैप्चर कब किया गया था, 1854 में। और अवध को इन्होंने मेल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कैप्चर किया था 1856 में, लास्ट स्टेट थी ये, बाद में छोड़ दिया गया था। और आंसर नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इसके अलावा देख लो जी, ये सतारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर, झांसी, अवध, ये सारी स्टेट कैप्चर करी गई थी, ईयर्स के साथ आपको लिखे हुए हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेना, ले लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजा राममोहन राय ऑर्गेनाइज ए हिस्टोरिक एजिटेशन अगेंस्ट द, राजा राममोहन राय जी ने हिस्टोरिक एजिटेशन किया था किस चीज के लिए, कास्ट सिस्टम, इविल कस्टम ऑफ सती, यस इविल कस्टम ऑफ सती।
सती को खत्म करने में इनका भी बहुत ज्यादा योगदान है, नो डाउट। सती प्रथा को 1829 में खत्म किया था विलियम बेंटिक ने, लेकिन उसमें योगदान राजा राम मोहन राय जी का भी है, ब्रह्मो समाज का बहुत ज्यादा योगदान है। 1828 में बना था ये और कलकत्ता इसके हेडक्वार्टर थे, ये याद रखना तुम्हें। राजा राम मोहन राय जी मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया कहते हैं इनको, मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया किसने बोला था, ये जवाहरलाल नेहरू जी ने बोला था, किसमें, डिस्कवरी ऑफ इंडिया में। राजा टाइटल इनको दिया गया था, राजा टाइटल इनको किसने दिया था, राजा टाइटल इनको किसने दिया था, दैट इज बाय द अकबर सेकंड, अकबर सेकंड ने टाइटल दिया था, क्लियर। तो ये याद रखना है तुम्हें, तो आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, क्लियर। गिफ्ट टू मोनोथीस्ट संबद कौमदी इनके पेपर्स देखने को हमें मिलते हैं, आइडल वर्शिप के अगेंस्ट थे और हिंदू रिचुअल्स के अगेंस्ट थे ये, क्लियर हो गया तुम्हें। तो इन्होंने ब्रह्मो समाज बनाई थी, अतम्य सभा इन्होंने 1815 में बनाई थी और बाद में इन्होंने ये ब्रह्मो समाज बनाई, इंग्लिश हिंदू कॉलेज बनाया था और बेस्ड ऑन द इंग्लिश एजुकेशन 1822 के अंतर्गत। पॉइंट समझ आया जी, चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। ये स्टेटमेंट किसने दिया था जब गांधी जी को असैसिनेट किया गया था, नन विल बी बिलीव दैट ए मैन लाइक दिस इन बॉडी एंड सोल एवर वॉक्ड इन ऑन दिस अर्थ, कोई भी विश्वास नहीं करेगा कि शरीर और आत्मा में ऐसा व्यक्ति इस धरती पर कभी चला था, किस पर्सन ने ये वर्ड यूज किया था, तो ये वर्ड यूज किया था एल्बर्ट आइंस्टाइन जी ने, एल्बर्ट आइंस्टाइन। पॉइंट समझ आया, 1931 में जी, एल्बर्ट आइंस्टाइन जो है वो ग्रेटेस्ट माइंड्स में है ये, जब इनकी डेथ हुई थी तो ये बोला गया था, यस आइंस्टाइन ने यूज किया था ये, एल्बर्ट आइंस्टाइन। आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, क्लियर। अब्दुल गफार खान, इनको हम क्या कहते हैं, फ्रंटियर गांधी, सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं, और फ्रंटियर गांधी, सीमांत गांधी, और ये कहां से बिलोंग करते हैं, कहां से बिलोंग करते हैं, ये कौन सी सभा से, दैट इज कौन सी है ये, रेड शर्ट ऑर्गेनाइजेशन जिसे हम कहते हैं खुदाई खिदमतगर ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करते हैं, खुदाई खिदमतगर ऑर्गेनाइजेशन, क्लियर, ये याद रखना। फ्रंटियर गांधी, सीमांत गांधी के नाम से इनको जानते हैं। आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, एल्बर्ट आइंस्टाइन। नेक्स्ट, इंडियन यूनिवर्सिटी जो है पहली बार कब बनाई गई थी जी, इंडियन यूनिवर्सिटी जो है पहली बार भारत देश में बनाई गई थी कब, किसके टाइम पे, यह बनाई गई थी 1857 में और एट द टाइम ऑफ लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग वही है जो गवर्नर जनरल था और बाद में इसको वायसराय की उपाधि मिल गई थी। मैकॉले इज द फादर ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया, और जब इंग्लिश एजुकेशन इंट्रोड्यूस करी गई थी 1835 में बेंटिक ने करी थी, तो रिकमेंडेशन इसकी थी। वॉरेन हास्टिंग रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ड्यूअल गवर्नमेंट को खत्म किया गया था, आपको बताया था। लॉर्ड विलियम बेंटिक गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है, इंग्लिश लैंग्वेज जो है इन्होंने इंट्रोड्यूस करी थी भारत देश में 1833 में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना था, इंग्लिश 1835 में घोषित करी गई थी, बेंटिक जो है 1829 में इन्होंने सती प्रथा को जो है आपका खत्म किया था। तो आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, आंसर नंबर सी। चलिए जी अगला क्वेश्चन बात करते हैं। चटगांव आमरी रेड 1934 में हुई थी और इसमें जो लीडर थे, और इसमें नॉट इन्वॉल्व पूछ रहा है, नॉट इन्वॉल्व सूर्य सेन, तो ये मास्टर दाय कहते हैं इनको, एंड दैट इज द मास्टर, ये लीडर थे उसके, कल्पना दत्त भी इनमें इन्वॉल्व थी, प्रीतिलता वादेकर भी इनमें इन्वॉल्व थी, तो ये नहीं थे, दिनेश गुप्ता नाम का कोई व्यक्ति नहीं था इनमें। तो आंसर नंबर फोर, इसमें नॉट पूछा था। पॉइंट समझ आया जी। पॉइंट समझ आया तुम्हें, यस। चलिए जी अगला क्वेश्चन बात करते हैं। आंसर नंबर फोर इज द करेक्ट आंसर। Which of the following event made the English East India Company the legitimate master of the Bengal Suba? ये किसने बोला था? English East India Company the legitimate master of the Bengal Suba? ये किसने event के बाद? देखो सीधी सी बात है, Battle of Buxar जब हुई थी, देखो political power इनके पास कब आ गई थी? Political power यहाँ पे Battle of Plassey में, अब पूरा Bengal इसके अंतर्गत आ गया था Buxar की लड़ाई के बाद। Buxar में मुनरो ने हराया था, किसको हराया था, किसको राया था, तीन लोगों को, शाह आलम टू जो मुगल एम्परर है आपका, शुजा दौला नवाब ऑफ अवध है आपका, ठीक है, और उसके बाद जो है मीर कासिम, इनको हराया था जो नवाब ऑफ बंगाल है।
इनको हरा के इन्होंने पूरा सेटअप कर लिया था। फारूक शाह ने जो है ये फरमान जारी किया था कि ड्यूटी फ्री आप ट्रेड कर सकते हैं, ड्यूटी फ्री मतलब टैक्स देने की जरूरत नहीं है। तो इसके लिए अंग्रेजों के लिए मैग्ना कार्टा था, अंग्रेजों के लिए मैग्ना कार्टा था। पॉइंट समझ आया? तो आंसर इसमें क्या बनेगा जी, आपका ए ऑप्शन। बैटल ऑफ प्लासी में सिराजुद्दौला को हराया गया था, और हराया था रॉबर्ट क्लाइव ने, कब? 1757 में। क्लियर? 23 जून 1757, ये याद रखना। अगला बताइए, अगला बताइए। लॉर्ड कर्जन जो है उन्होंने आउटस्टैंडिंग रिफॉर्म्स किए हैं, स्पेशली इन द रिस्पेक्ट ऑफ पीपल लिविंग इन द अनडिवाइडेड प्रोविंस ऑफ पंजाब। तो उन्होंने क्या रिफॉर्म किए थे अनडिवाइडेड प्रोविंस ऑफ पंजाब के लिए? इन्होंने एग्रीकल्चर रिफॉर्म किए थे 1902, लैंड एलियनेशन एक्ट, ठीक है जी। देखो इन्होंने बोला था कि जो लैंड है ना वो नॉन एग्रीकल्चरिस्ट को नहीं दी जाएगी, जो एग्रीकल्चर वाले लोग होंगे ना उनको ही दी जाएगी। पॉइंट समझ आया? ये याद रखना। ये पुलिस रिफॉर्म इन्होंने बिल्कुल किए थे, एंड्रू फ्रेजर कमेटी आपकी बैठी थी, ठीक है, इन्होंने पुलिस रिफॉर्म किए थे। लेकिन क्वेश्चन क्या है? अनडिवाइडेड प्रोविंस ऑफ पंजाब के लिए है। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? 4, आंसर नंबर बनेगा 4 इज द करेक्ट आंसर। चलिए जी अगला क्वेश्चन बताइए, ये स्टेटमेंट किसने बोली है? जी ये किसने बोली है? देशभक्ति जो है वो धर्म है, और धर्म भारत के लिए प्रेम है, ये किसने बोला था? ये बोला था किसी ने भी नहीं बोला था, ये बोला था बंकिम चंद्र चटर्जी ने बोला था, ये बोला था बंकिम चंद्र चटर्जी ने बोला था। पॉइंट समझ आया आप लोगों को? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। तो ऑप्शन इनमें से कोई भी नहीं बनेगा, आंसर नन ऑफ दीज बनेगा, ऑप्शन नहीं है, बट बाकी पढ़ लेते हैं। यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक मैंने पढ़ा दिया, स्वामी विवेकानंद जी इनका ओरिजिनल नेम क्या है? नरेंद्रनाथ दत्ता, और इनको विवेकानंद टाइटल दिया गया था, अजीत सिंह ऑफ खेत्री ने टाइटल दिया था, अजीत सिंह ऑफ खेत्री ने। क्लियर? स्वामी विवेकानंद जी की बात करते हैं, इन्होंने जो है स्वामी विवेकानंद जी की अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने हमें क्या बताया था, डेट इज रामाकृष्णा मिशन अपने गुरु के नाम पे, डेट इज रामाकृष्णा परमहंस जी के नाम पे, और उनका ओरिजिनल नेम है गदोदर चट्टोपाध्याय। क्लियर? ये याद रखना। आचार्य विनोबा भावे, और आपको पता होगा 1940-41 में जो है इंडिविजुअल सत्याग्रह किया गया था, व्यक्तिगत सत्याग्रह, ठीक है, व्यक्तिगत सत्याग्रह। तो पहले सत्याग्रह ये पकड़े गए थे पावनार से, पकड़े गए थे पावनार महाराष्ट्र से, और दूसरे सत्याग्रही थे जवाहरलाल नेहरू, और तीसरे सत्याग्रही जो पकड़े गए थे वो थे ब्रह्मदत्त, ब्रह्मदत्त, ठीक है, याद रखने सारे पॉइंट आपको। चलिए जी अगला क्वेश्चन बताइए। अगला क्वेश्चन बताइए जी, इनमें से मेजर मीन्स ऑफ सत्याग्रह क्या हैं? गांधी जी के अकॉर्डिंग मेजर सत्याग्रह कौन से हैं? यहाँ पे नॉन कॉपरेशन, यस, असहयोग करो, स्ट्राइक नहीं, स्ट्राइक नहीं बोला था, डेमोन्स्ट्रेशन नहीं बोला था, पीसफुल तरीके से बात करी थी इन्होंने, सिविल डिसोबीडियंस, यस, ए और डी दोनों आपके करेक्ट हैं, ए और डी दोनों आपके करेक्ट हैं, गांधी जी ने यही बातें करी थी और यही इन्होंने किया था। क्लियर जी? आंसर नंबर बी। पॉइंट समझ आया? एक तो मुझे ये समझ नहीं आता, अरे अगर ये रिकॉर्डेड भी होती तो तुम्हें क्या होता है? ये रिकॉर्डेड भी होती तो क्या होता तुम्हारे लिए? मुझे तो ये चीज समझ नहीं आती, रिकॉर्डेड है, लाइव है, तो क्या है? मेरी शक्ल देखनी है तुम लोगों ने, या मेरे से सुनना है ये? हाँ ये लाइव है, मेरे से सुनना है ये, तुम लोगों ने क्या करते रहते हो यार, तुम पढ़ नहीं सकते तुम लोग?
फोटो खींच लो मेरी, ठीक है, लगा लेना घर पे बड़ी सारी करके। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखिए जी क्या है। गांधी जी इंस्पिरेशन फॉर सिविल डिसोबीडियंस केम फ्रॉम द राइटिंग ऑफ, गांधी जी की जो इंस्पिरेशन थी ये कहां से आई थी। गांधी जी इंस्पिरेशन फॉर सिविल डिसोबीडियंस केम फ्रॉम द राइटिंग्स ऑफ, दैट इज थोरू। आंसर इसमें क्या बनेगा, वन इज द करेक्ट आंसर, वन इज द करेक्ट आंसर, क्लियर। यस, आंसर नंबर वन। और एक चीज और बताओ मुझे, सिविल डिसोबीडियंस ये थी, किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू, ये किसकी बुक से लिया गया है। ये प्रभावित है गांधी जी इस बुक से बहुत ज्यादा, और बस ये बताओ, ठीक है, ये बताओ तुम लोग, ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ किसने किस बुक से था, हो सकता है मैं तुम्हें इसी क्लास में बता दूं, ठीक है जी। हाँ बिल्कुल, बहुत बच्चे ने आंसर दे ही दिया है, यस टॉल्स्टॉय की बुक थी, किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू, यस। चलिए जी अगली बात करते हैं, पाकिस्तान का जो आइडिया मिला था ये पहली बार कब कंसीव किया गया था जी। तो ये आइडिया दिया था मोहम्मद इकबाल ने दिया था, पहली बार इन्होंने बोला था कि जो नॉर्थ फ्रंटियर प्रोविंस है, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस है, उनकी जो स्टेट्स है उनको अलग कर दिया जाए, ठीक है। तो इन्होंने पहला आइडिया दिया था, फिर 1940 पाकिस्तान जो बात करी गई थी, पाकिस्तान रेजोल्यूशन पास किया गया था 1940 लाहौर सेशन में, जो मुस्लिम लीग का सेशन था तब पास किया गया था। तो मोहम्मद इकबाल ने आइडिया दिया था ये, और इन्होंने टू नेशन थ्योरी के बारे में बात कर दी थी, ठीक है। बाद में तो आगा खान जो थे ये पहले प्रेसिडेंट थे मुस्लिम लीग के, आपको बताया था मैंने 1906 वाली। नेक्स्ट, ब्रिटिश इंट्रोड्यूस द रेलवे इन इंडिया इन ऑर्डर टू, अंग्रेजों ने क्या सोच के जो है आपकी रेलवे इंट्रोड्यूस करी थी, हैवी इंडस्ट्रीज को प्रमोट करना है, ब्रिटिश कॉमर्स और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल करना है, फूड स्टफ को इधर उधर भिजवाना है और इंडियंस को मूव करना है फ्रीली विद इन द कंट्री। नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ चाहते थे बिजनेस करना और एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल करना, इसीलिए ये क्या कर रहे थे, ये इन्होंने जारी करी थी क्या। यस बिल्कुल, बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, आंसर नंबर बी, क्लियर, आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए जी अगले बात करते हैं, ये सेम क्वेश्चन फिर आ गया है, सिविल डिसोबीडियंस एंड नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स, ये कहां से प्रभावित है, थोरू, आंसर नंबर ए। लियो टॉल्स्टॉय, मैंने आपको बताया था किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू, ये बात करी गई थी यहां पे। जॉन रस्किन की पुस्तक थी अनटू दिस लास्ट, ये तीनों पुस्तक से बहुत प्रभावित थे। गोपाल कृष्ण गोखले इनके पॉलिटिकल गुरु हैं, किनके, गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु। और मैंने आपको बताया था गोपाल कृष्ण गोखले जी ने एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करी थी, सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन जो है इन्होंने स्टार्ट करी थी। तो आंसर नंबर वन। नेक्स्ट बताइए, अगला आंसर बताइए फटाफट। अगला क्वेश्चन है, ये बुलाभाई देसाई जो गए थे आपके इंडियन नेशनल आर्मी के सोल्जर्स को छुड़वाने के लिए, रेड फोर्ट ट्रायल हुए थे, तो ये हुए थे 1945 में, आंसर नंबर सी। बुलाभाई देसाई वॉज द चीफ लॉयर, बाकी इनके साथ जैसे जवाहरलाल नेहरू भी गए थे और तेज बहादुर सप्रू भी गए थे, आसफ अली भी गए थे, लेकिन चीफ लॉयर ये थे। और ये जो ट्रायल चल रहे थे तीन सोल्जर्स के ऊपर चल रहे थे, पी के सहगल, शाहनवाज खान और गुरबख्श सिंह ढिल्लो, ठीक है, इनके ऊपर चल रहे थे। तो आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, आंसर नंबर सी। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती है द नेचर ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। यस, क्या एक्सप्लेन करती है सबसे पहली, मतलब बेस्ट एक्सप्लेन करती है इस नेचर को। नंबर वन, द लास्ट एफर्ट ऑफ द ओल्ड पॉलिटिकल ऑर्डर टू रिगेन पावर।
म्यूटिनी ऑफ ए सेक्शन ऑफ सिपाही टू द ऑफ द ब्रिटिश आर्मी, स्ट्रगल ऑफ द कॉमन पीपल टू ओवरथ्रो द कॉमन रूल एंड एफर्ट टू एस्टैब्लिश ए लिमिटेड इंडियन नेशन. यस, व्हाट इज दिस, बता सकते हैं आप लोग? चलिए जी, तो यस, आंसर नंबर वन, द लास्ट एफर्ट ऑफ द ओल्ड पॉलिटिकल ऑर्डर टू रिगेन पावर, नंबर वन. क्लियर? क्यों? क्योंकि इसके बाद तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी से पावर कहां चली गई थी? ब्रिटिश क्राउन के पास चली गई थी. समझ आया तुम्हें? सो आंसर नंबर वन इज द करेक्ट आंसर. समझ आया? आंसर नंबर वन. चलिए जी, ये आपको ऑर्गेनाइजेशन बताइए कहां कहां पे, कब कब, कैसे कैसे बनी है जी. तो नंबर वन देखिए जी, ब्रह्मो समाज. ब्रह्मो समाज मैंने आपको बताया था बंगाल कलकत्ता में बनाया गया था. ब्रह्मो समाज 1828 में बनाया गया था और संस्थापक थे राजा राम मोहन रॉय. ठीक है. वेदा समाज, वेदा समाज कहां पे बनाया गया था? 1864 में मद्रास में, 1864 में मद्रास में बनाया गया था, नंबर थ्री. और इनको बनवाया किसने था, इसको ऑर्गेनाइजेशन को बनाया किसने था? केशव चंद्र सेन. केशव चंद्र सेन थे यहां पे, और श्रीधर नायडू, ये दो पर्सन इन्वॉल्व हैं. आर्य समाज 1875 में बनाया गया था आपका. ठीक है. और देखो, आर्य समाज बॉम्बे में ही था. ठीक है. आर्य समाज जो है ये बॉम्बे में बनाया गया था. सो यहां पे ऑप्शन क्या बनेगा? वन. ठीक है. और आर्य समाज के संस्थापक मूल शंकर, जिन्हें हम स्वामी दयानंद सरस्वती कहते हैं, और इन्होंने इंडिया फॉर इंडियंस का स्लोगन दिया था, गो बैक टू वेदास का स्लोगन दिया था, और स्वराज वर्ड इन्होंने दिया था हमें, वेद भाष्य भूमिका, सत्यरथ प्रकाश, ये सारी पुस्तकें इनके द्वारा लिखी गई थी. और प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग जी द्वारा नॉर्थ इंडिया में. पॉइंट समझ आया तुम्हें? समझ आ गया? एक सेकेंड, आर्य समाज बॉम्बे में तो था. हाँ, देखो एक चीज मैं बताता हूं, जब यहां पे कंफ्यूजन एक चीज है, नॉर्थ इंडिया क्या, प्रार्थना समाज जो बनाया गया था आत्माराम पांडुरंग जी ने बनाया था महाराष्ट्र में. ठीक है. और आर्य समाज भी बॉम्बे में था, लेकिन इनकी जो मेन एक्टिविटी थी ना, मेन एक्टिविटी इनकी नॉर्थ इंडिया में थी. जो मेन एक्टिविटी थी इनकी नॉर्थ इंडिया में थी, तो इसको हम चार बनाएंगे, इसको बनाएंगे एक, क्योंकि ऑप्शन थोड़े से टेढ़े आ गए, बॉम्बे आ गया और नॉर्थ इंडिया आ गया. समझ आया? तो प्रार्थना समाज महाराष्ट्र में था, तो मतलब हम बॉम्बे को टिक करवाएंगे यहां पे, यानी कि नंबर वन इसको यहां टिक करेंगे. और जो आपका आर्य समाज है, ये आपका कहां पे था? दैट इज इन द नॉर्थ इंडिया मेनली, इनकी एक्टिविटी वहां पे थी, नो डाउट बॉम्बे में था. तो इसका आंसर क्या बनेंगे? 2 3 4 1 टिक करेंगे हम यहां पे, 2 3 4 1, ये लास्ट ऑप्शन बन जाएगा, यहां पे छुपा हुआ है, बट अदरवाइज 2 3 4 1 इज द करेक्ट आंसर. चलिए जी, अगला क्वेश्चन बताइए. हमारे इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में तो देखो तो सही कितने आर्य समाज वाली चीजें. चलिए अगला क्वेश्चन देखिए जी. ये अपार्ट फ्रॉम क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च करी थी 8 अगस्त को, लेकिन INC ने लॉन्च करी थी 9 अगस्त को ही एक ट्रायल हुआ था इंसिडेंट, दैट इज काकोरी ट्रेन इंसिडेंट. आपको याद होगा काकोरी ट्रेन इंसिडेंट 9 अगस्त 1925, जब चार लोग थे, अशफाकुल्ला खान, आपको बताया था मैंने, अशफाकुल्ला खान जी थे, और कौन थे, राजेंद्र लहरी, रोशन सिंह, एक और रह गए, राम प्रसाद बिस्मिल जी. क्लियर? इन्होंने किया था. क्लियर? ये याद रखे. चंपारण सत्याग्रह गांधी जी का पहला सत्याग्रह था 1917 में, और तीन कथिया लगान कहते हैं, 3/20 का लगान कहते हैं इनको. इंडिगो कल्टीवेशन के लिए था, नील की खेती के लिए था. राजकुमार शुक्ला गांधी जी को यहां पे बुलाने लेके आए थे. तो दिस इज इंपॉर्टेंट वन. क्लियर? बायकॉट ऑफ साइमन कमीशन, साइमन कमीशन के बारे में बात कर चुके हैं, सॉल्ट सत्याग्रह के बारे में बात कर चुके हैं. आंसर नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर. चलिए जी, अगला क्वेश्चन बताइए. देखो ये हमने बात करी थी, गुड गवर्नेंस एक्ट की बात करी थी, 1 नवंबर 1858 को पास किया गया था, और तीन बातें अनाउंस करी गई थी. सारी कहानी तुम्हें वो पता है, लेकिन ये हुआ कहां पे था, ये अनाउंसमेंट हुई कहां पे थी? अलाहाबाद में. अलाहाबाद में ये अनाउंसमेंट हुई थी. तो आंसर नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर. ये इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? अलाहाबाद. पॉइंट समझ आया? नॉट कैलकटा, नॉट दिल्ली, इट्स अलाहाबाद. अलाहाबाद में अनाउंसमेंट थी ये.
मैं तुम्हें बार बार तभी कह रहा हूं बेसिक स्ट्रॉन्ग कर लो, तब हम स्टेटमेंट बेस वाली चीजें इजीली कर पाएंगे, ठीक है। समझ आ गया, चलिए अगला बात करते हैं। ये तो तुम्हें पता होगा डैट इज, ये किस बंदे ने स्टेटमेंट दी थी। बहुत साल पहले हमने भाग्या के साथ एक प्रयास किया था और समय आ गया है अब हम जो है प्रतिज्ञा को बुनाएंगे। तो ये कब बोला गया था, जब देश आजाद हुआ था। तो ये बोला किसने था, जवाहरलाल नेहरू जी ने बोला था। ये अनाउंसमेंट हुई थी लाहौर सेशन में, रिवर रावी के किनारे 1929 पूर्ण स्वराज सेशन में, ठीक है। और जब देश आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, तब ये दोबारा से अनाउंसमेंट करी गई थी कि जब पूरा वर्ल्ड सो रहा है और देश जो है आपकी जी, एक सेकेंड ना, ये गलत हो गया। ये स्टेटमेंट किसने दी थी, ये मोहनदास करमचंद गांधी जी ने दी थी ये स्टेटमेंट। लेकिन अगर वो कहता कि ये क्वेश्चन पूछता कि मतलब जब पूरा वर्ल्ड सो रहा है तो इंडिया अपनी अलग ऊंचाइयों को छू रहा है, तो आंसर क्या बनता, डी। पॉइंट समझ आया। अरे एक सेकंड रुको यार, क्या कर दिया मैंने, क्या नहीं, ये जवाहरलाल नेहरू, अरे यार रुक जाओ, अरे रुक तो जाओ, हाँ तो सही है ना, मैंने यार तुम ना गड़बड़ करवा देते हो मेरे से। तुम जब इस तरीके से क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हो ना बीच में से, मैंने सही बोला था तुम्हें, जवाहरलाल नेहरू तो सही था यार, ऐसे मत किया करो तुम लोग। हाँ जवाहरलाल नेहरू सही तो था, नहीं सही तो है, अरे सही तो था यार, ये जवाहरलाल नेहरू इशारा, ये नहीं आएंगे, ये नहीं आएंगे, महात्मा गांधी जी नहीं आएंगे। चलो जवाहरलाल नेहरू सही तो था। चलो अगला क्वेश्चन देखो, कई बार तुम ना पजल कर देते हो खुद ही बोल के मेरे को, मुझे लगता है कि कई बार क्या होता है ना कि बोलते बोलते दिमाग में कुछ चीज और चल रही होती है और आंसर कुछ और हो जाता है, ठीक है, और बीच में दो तीन लोगों ने बोल दिया। फिर मुझे लगा कि कहीं मैं गलत तो नहीं बोल गया। चलिए जी, सत्याग्रह फाइंड एक्सप्रेशन इन सत्याग्रह, मैंने आपको बताया था गांधी जी सत्याग्रह का मतलब दो चीजों से ही मानते थे, ठीक है, दैट इज क्या है जी, सत्याग्रह गांधी जी दो वर्ड से मानते थे और दो वर्ड क्या थे, सत्याग्रह दैट इज नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, आंसर नंबर सी, सत्या की राह पर चलिए, नॉन कोऑपरेट। चलिए अगला बात करते हैं, सेपरेट स्टेट की बात कर दी गई थी यहां पे, सेपरेट स्टेट की बात, सेपरेट मुस्लिम स्टेट, ये कब बात करी गई थी, मैंने अभी आपको बताया था मुस्लिम स्टेट को अलग बनाने की बात इन्होंने लाहौर रेजोल्यूशन में करी थी, लाहौर रेजोल्यूशन पाकिस्तान रेजोल्यूशन, लाहौर सेशन था 1940 का, मोहम्मद अली जिन्ना ने जो है दो नेशन थ्योरी बता दी थी, ये सिविल डिसोबीडियंस में नहीं हुआ था, खिलाफत आंदोलन में नहीं था, खिलाफत आंदोलन जो है मोहम्मद अली और शौकत अली ने किया था, अली ब्रदर्स ने, समझ आया तुम्हें, सो ये नहीं, बर्थ तो 1906 में हुआ था मुस्लिम लीग का, तो आंसर नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए,
अगला क्वेश्चन बताइए फटाफट। ब्रिटिश पर्सन एडमिटेड द रिवोल्ट ऑफ 1857 एज ए नेशनल रिवोल्ट, ये किस पर्सन ने बोला था? डिजराइली, डिजराइली ने इस वर्ड को दिया था। ब्रिटिश पर्सन एडमिटेड द रिवोल्ट ऑफ 1857 एज ए नेशनल रिवोल्ट, आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। डलहौजी मैंने आपको पढ़ा दिया, कैनिंग आपको पढ़ा दिया, लॉर्ड एलनबर्ग वो है जिन्होंने सिंध कैप्चर किया था, इनके टाइम पे अंग्रेजों ने सिंध कैप्चर किया था, पॉइंट समझ आया, सिंध को कैप्चर किया था, चार्ल्स नेपियर ने किया था इनके टाइम पे, समझ आया तुम्हें? तो आंसर इसमें क्या बनेगा जी आपका, ये एडमिट किया था उन्होंने, उनके टाइम पे हुआ था, लेकिन डी आंसर बनेगा इसका, डिजराइली ने बोला था। नेक्स्ट, सबसे ओल्डेस्ट ट्रेड यूनियन, मैं एक ही आंसर बताऊंगा इसका, उसी को ही डिस्कस करेंगे। ओल्डेस्ट ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन इंडिया, दैट इज ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, आंसर नंबर सी। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस 31 अक्टूबर 1920 को आपकी बनाई गई थी, ठीक है, और इसमें कौन कौन से पर्सन इन्वॉल्व थे? आपके लाला लाजपत राय वॉज द प्रेसिडेंट, एन एम जोशी, जोसेफ बैप्टिस्टा, जोसेफ बैप्टिस्टा, ठीक है, और दीवान चमनला जो के सेक्रेटरी थे, सेक्रेटरी थे। तो आंसर नंबर सी, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, गांधीयन इकोनॉमी वॉज द जो है वॉज बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल? गांधीयन इकोनॉमी, गांधीयन इकोनॉमी बेस्ड है ट्रस्टीशिप काउंसिल के ऊपर। गांधी जी चाहते हैं कि जैसे ट्रस्ट बनाई जाती है ना, तो ट्रस्ट में बड़े बड़े लोग, पैसे वाले लोग हों और लोगों की प्रॉब्लम को वो सॉल्व करें। तो आंसर नंबर सी, ट्रस्टीशिप इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, ट्रस्टीशिप, सर्वोदय मींस, सर्वोदय का मतलब क्या है? देखिए, सर्वोदय का कॉन्सेप्ट गांधी जी ने दिया था और इसका कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है जी? एक आपको पता होगा, हमने बात करी थी, जॉन रस्किन की एक पुस्तक थी अनटू दिस लास्ट, वहां से इन्होंने ये आपका कॉन्सेप्ट लिया था, ठीक है, और इन्होंने बोला था अपलिफ्टमेंट ऑफ ऑल, दैट इज सोसाइटी को आप ऐसी एथिकल वैल्यूज के ऊपर ले आओ, कोई ऊंच नीच वाली कोई बात ना हो, सबकी अपलिफ्टमेंट की बात यहां पर करी गई थी। यस, आंसर नंबर सी, अपलिफ्टमेंट ऑफ ऑल। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, हु स्क्रिप्टेड गांधी जी फेवरेट सॉन्ग वैष्णव जंतो, ये किसने सॉन्ग लिखा था? सबको बताइए, नरसिंह मेहता, वैष्णव जंतो, दैट इज नरसिंह मेहता, इनका फेवरेट सॉन्ग था नरसिंह मेहता। नेक्स्ट, ऑल इंडिया विमेन कॉन्फ्रेंस जो है ये कब बनाई गई थी जी? जी, इनके फाउंडर मेंबर में बात करूं, चिमनाबाई गायकवाड़, चिमनाबाई गायकवाड़, ठीक है, महारानी चिमनाबाई गायकवाड़, सरोजिनी नायडू, ये सारे पर्सन इन्वॉल्व हैं। यस, कमला देवी चट्टोपाध्याय, ये सारी पर्सन, ये सारी लेडीज इन्वॉल्व हैं। ऑल इंडिया विमेन कॉन्फ्रेंस बनाई गई थी 1927 में। यस, बिल्कुल सही, आंसर नंबर फोर, आंसर नंबर फोर इज द करेक्ट आंसर। यस, आंसर नंबर फोर, कुका मूवमेंट भारत देश में मिड 19th सेंचुरी में स्टार्ट करी गई थी, कहां पे स्टार्ट करी गई थी जी? जी देखिए, नामधारी सिख और जो प्योर सिख होते हैं वो अलग हैं। नामधारी सिख जो हैं जगजीत सिंह जी को अपना गुरु, लिविंग गुरु मानते हैं, और जो दूसरे प्योर सिख हैं वो मानते हैं गुरु ग्रंथ साहिब को। पॉइंट समझ आया, मतलब वो उनके लिविंग गुरु हैं। तो ये जो मूवमेंट स्टार्ट हुई थी कुका मूवमेंट, ये वेस्टर्न पंजाब में स्टार्ट करी गई थी। कुका मूवमेंट वेस्टर्न पंजाब, पश्चिम बंगाल, पंजाब में कुका मूवमेंट जी। इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में बहुत ज्यादा योगदान है इनका, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में। यस, राम सिंह जी इनके फाउंडर थे, नामधारी मूवमेंट के लीडर थे। महात्मा गांधी जी रिमार्क, ये गांधी जी ने रिमार्क दिया था, पोस्ट डेटेड चेक ऑन ए क्रम्बलिंग बैंक, ये कब दिया था? जब भारत देश में क्रिप्स मिशन आया था उसको बोला था 1942 में, और इसको भेजा किसने था? विंस्टन चर्चिल ने भेजा था, उस टाइम पे अंग्रेजों के प्राइम मिनिस्टर ये थे, क्लियर। और गांधी जी ने इसलिए भेजा, बोला था क्रिप्स मिशन को, क्योंकि क्रिप्स मिशन ने बोला था हम वॉर एडवाइजरी काउंसिल बनाएंगे जब जब आपकी सेकेंड वर्ल्ड वॉर हम जीत जाएंगे।
कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी बनाई जाएगी, सब कुछ मिलेगा आप लोगों को और डिफेंस पावर हम रखेंगे, बाकी पावर्स आपको दे देंगे। तो इसीलिए गांधी जी ने स्टेटमेंट दिया था, दैट इज ए पोस्ट डेटेड चेक ऑन ए क्रम्बलिंग बैंक, गांधी जी ने इसीलिए वर्ड ये यूज किया था। पॉइंट समझ आया तुम्हें? तो आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। साइमन कमीशन 27 आपको बात करी थी मैंने, बना था भारत देश में 28 में आया था। कैबिनेट मिशन प्लान 1946 जिसमें तीन लोग इन्वॉल्व थे, पैथिक लॉरेंस ठीक है, स्टैफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। क्लियर हुआ तुम्हें? और इसमें जो पैथिक लॉरेंस है वो कौन है आपके? सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट। क्लियर। बेवल प्लान 1945 जिसे हम क्या कहते हैं, शिमला कॉन्फ्रेंस के नाम से भी जानते हैं। तो आंसर नंबर क्या बनेगा जी? बी, क्रिप्स मिशन इज द करेक्ट आंसर। डोमिनियन स्टेटस देने की यहां पे बात करी गई थी, डोमिनियन स्टेटस। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, थ्रू विच प्रिंसिपल डिवाइस डिड महात्मा गांधी जी स्ट्राइव टू ब्रिज इकोनॉमिक इनक्वालिटी। देखो सीधी सी बात है, गांधी जी इकोनॉमिक इनक्वालिटी को खत्म करना चाहते हैं। वो कैसे खत्म होगी? गांधी जी ने खुद बात करी थी, अभी बात करवाया था मैंने आपको ट्रस्टीशिप थ्योरी से। मतलब भाई जो पावर वाले लोग हैं या जिनके पास पैसा है तो भाई वो करो आओ, और ऑब्वियसली बात है वो क्या होगा, वो सारी चीजें खत्म करेंगे। पॉइंट समझ आया जी? ट्रस्टीशिप से बात करी थी। अब यहां पे ये ध्यान रखना, विलेज इंडस्ट्री को प्रमोट करने की बात यहां पे नहीं करी गई थी। अगर मैं कहूं हैंडीक्राफ्ट्स को प्रमोट करने की बात करी गई थी तो वो इकोनॉमिक क्राइटेरिया आगे लेके जाने की बात करी गई थी, लेकिन ऐसा नहीं था। इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस शो कर रहा था वो, जो अगर हम ये खादी वगैरह बना रहे हैं, बट इकोनॉमिक इनक्वालिटी ट्रस्टीशिप से ही खत्म की जाएंगी, ये याद रखना। पहला अंग्रेजी जहाज जो भारत देश में आया था, देखो बेकार सा क्वेश्चन है ये, ठीक है, मुझे नहीं लगता इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, बट देख लेना आया हुआ क्वेश्चन है, भी मैंने निकाला था ये। फर्स्ट इंग्लिश शिप जो भारत देश में आया था उसका नाम था रेड ड्रैगन। पढ़ लेना यार, बस इतना, मतलब मुझे नहीं पता कि ये ऐसा क्वेश्चन पूछा भी जाएगा नहीं पूछा जाएगा, रेड ड्रैगन। क्लियर। चलिए अगली बात करते हैं, कौन से स्क्रिप्चर को गांधी जी ने बोला था कि ये मेरी मां है? तो वो बोला था भगवत गीता के लिए बोला था गांधी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, ये भी मैंने आपको बताया था 34 में बनी थी, आचार्य नरेंद्र देव वॉज द प्रेसिडेंट एंड जयप्रकाश नारायण इज द जो है जनरल सेक्रेटरी। तो आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, आंसर नंबर बी। क्लियर हो गया तुम्हें जी? आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव, मीनो मासानी, ये सारे इन्वॉल्व हैं आपके उसमें, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी में। यूनिवर्सिटी आई थी कलकत्ता यूनिवर्सिटी, यस, कलकत्ता यूनिवर्सिटी जो है आपकी किस एजुकेशन रिपोर्ट के कारण आई थी? ये आई थी वुड डिस्पैच के अकॉर्डिंग 1854 में, जब वुड डिस्पैच को बोला गया था मैग्ना कार्टा फॉर द इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया, क्योंकि ये कहते थे प्राइमरी जो भाषा होगी आपकी प्राइमरी स्कूलों में तो वो आपकी वर्नैकुलर लैंग्वेज में पढ़ाओ, सेकेंडरी क्लासेस में आपको एंग्लो प्लस वर्नैकुलर पढ़ाओ, और जो आपकी यूनिवर्सिटी होगी उसमें आप एंग्लो पढ़ाओ। पॉइंट समझ आया? तो इन्होंने यहां पे बात करी गई थी यहां पे। क्लियर। कलकत्ता यूनिवर्सिटी वुड डिस्पैच के साथ जो है लिंक करती है। आंसर नंबर फोर इज द करेक्ट आंसर। मैकॉले तो 1835 में इंग्लिश एजुकेशन लगा दिया, फादर बन गया वो तो। हंटर कमीशन, देखो हंटर कमीशन और हंटर कमेटी, हंटर कमीशन जो है आपका लॉर्ड रिपन के टाइम पे था, और इन्होंने प्राइमरी भाषा प्राइमरी एजुकेशन के लिए बात करी थी लॉर्ड रिपन के टाइम पे, लेकिन हंटर कमेटी जो बैठी थी आपकी वो आपकी जलियांवाला बाग के लिए बैठी थी, ये याद रखना। आंसर नंबर फोर, वो डिस्पैच इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए जी क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है, सत्यमेव जयते ये जो है नेशनल एम्बलम पे लिखा हुआ है, ये कौन से उपनिषद से लिया गया है? दैट इज फ्रॉम द मुंडक उपनिषद। मुंडक उपनिषद, दैट इज यहां पे मुंडक मंडूक का लिखा हुआ है, इट्स मुंडक उपनिषद। आंसर नंबर बी। क्लियर। उपनिषद कितने होते हैं? 108 फिलोसफिकल टेक्स्ट है हमारे, 108। आंसर नंबर बी, सत्यमेव जयते, मुंडक उपनिषद। नेक्स्ट, महाराजा रणजीत सिंह जी की पॉलिटिकल कैपिटल थी लाहौर, तो उनकी रिलीजियस कैपिटल का नाम बताइए। रिलीजियस कैपिटल वॉज द अमृतसर।
आंसर नंबर ए। तभी तो यहाँ पे गोल्डन टेम्पल जो अमृतसर का हरमंदिर साहिब था उसके ऊपर गोल्ड चढ़ा दिया था, तभी तो गोल्डन टेम्पल बना था। आंसर नंबर ए क्लियर। ये जो ये महाराजा रणजीत सिंह हैं ये सुकर चकिया मिसल से बिलोंग करते हैं और इन्हें शेरे पंजाब के नाम से जानते हैं। ये बचपन से ही स्मॉल पॉक्स से पीड़ित थे इसीलिए इनकी आंख चली गई थी यहाँ पे। क्लियर हो गया, ये याद रखना। लाहौर को इन्होंने अनेक्स कर लिया था, लाहौर को कैप्चर कर लिया था इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Who attended the Congress of Oppressed Nationalists at the Brussels in 1927 on the behalf of the Indian National Congress? Indian National Congress के बिहाव पे उत्पीड़ित राष्ट्रवादियों के मतलब के थ्रू मतलब कांग्रेस में कौन गया था? तो डेट वॉज जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू गए थे 1927 की कॉन्फ्रेंस में। आंसर नंबर क्या बनेगा? ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। मोतीलाल ये महात्मा गांधी 1924 पहली और आखिरी बार बेलगांव सेशन कर्नाटका में प्रेसिडेंट थे। मोतीलाल नेहरू 1928 की रिपोर्ट आई थी, नेहरू रिपोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल रिपोर्ट थी वो मोतीलाल नेहरू जी ने दी थी। याद रखना है सारे पॉइंट आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी, इनको क्रोनोलॉजी में लगाना है क्या बनेगा? देखिए जी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाइए। दांडी मार्च कब हुआ था? 1930। मैं एग्जैक्ट डेट नहीं लिख रहा, तुम्हें पता ही है। जलियांवाला बाग 1919 में, 13 अप्रैल। क्विट इंडिया मूवमेंट 8 अगस्त 1942, स्वदेशी मूवमेंट 1905। तो देख लो क्या बनेगा इसका। सो डी डी बी ए सी, सो ये बनेगा सी ऑप्शन, डी बी ए सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी, पहला इंडियन न्यूज़पेपर जो प्रिंट किया गया था वो कौन सा था? पहला इंडियन न्यूज़पेपर दैट वाज बंगाल गजेट, जेम्स अगस्तस हिकी ने किया था। जेम्स अगस्तस हिकी ने, पोर्तुगीज, ठीक है, 1780 में, याद रखना। द हिंदू 1878 में, 1878 में किया गया था। और इसके कौन थे? जी एस अय्यर। यस, जी एस अय्यर, पंडित सुबाराव पंडित, ये भी इन्वॉल्व थे। और आनंद बाजार पत्रिका किसने लिखी थी? यस, शिशिर कुमार घोष, शिशिर कुमार घोष। आंसर क्या बनेगा जी इसका? बी, बंगाल गजट इज द करेक्ट आंसर, बंगाल गजट। नेक्स्ट, ये तुम्हें बताया था मैंने, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वर्ड का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट? मैंने आपको बताया था, एक ब्रिटिश मिनिस्टर होगा जिसको फुल कंट्रोल दिया जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, भाई फुल कंट्रोल करेगा वो, क्योंकि गवर्नर जनरल वाइसराय कौन बैठता है इंडिया में, और फिर वो बातें बताता है सेक्रेटरी को, सेक्रेटरी सब कुछ कंट्रोल कर रहा है। सेक्रेटरी आगे किसको बताएगा? रानी को बताएगा। पॉइंट समझ आया जी? आंसर इसमें क्या बनेगा? सी ऑप्शन, आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, आंसर नंबर सी। चलिए जी अगला क्वेश्चन बात करते हैं। अगला क्वेश्चन बताओ फटाफट। लखनऊ पैक्ट वॉज ए डील बिटवीन, लखनऊ पैक्ट किसके बीच में डील थी? एक्चुअली ये एक हिंदू मुस्लिम सीट्स के रिगार्डिंग एक आपका बात करी गई थी। लखनऊ पैक्ट 1916 का था, ठीक है, यहां पे हिंदू मुस्लिम यूनिटी तो हुई हुई लेकिन एक साथ आपकी डिवीजन भी हो गई, सीट शेयरिंग की बात करी गई। और हिंदू मुस्लिम यूनिटी किसने करवाई थी? मोहम्मद अली जिन्ना ने, जिसके कारण इसको बोला गया था अम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, अम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। अम्बेसडर किसने बोला था हिंदू मुस्लिम यूनिटी का? अम्बेसडर सरोजिनी नायडू ने बोला था। किसको? मोहम्मद अली जिन्ना को। और प्लस इसी कॉन्फ्रेंस में मॉडरेट प्लस एक्सट्रीमिस्ट भी इकट्ठे हुए थे, वो किसकी मदद से हुए थे? एनी बेसेंट की मदद से हुए थे। याद रखना है सारे पॉइंट। लखनऊ पैक्ट में आपके चेयरपर्सन कौन थे? ए सी मजूमदार, 1916। तो आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Who among the following made it possible for the Indians to enter the Indian civil services through an open competition? Open competition के माध्यम से वो जाएंगे यहां पे। Yes, जी देखिए, आपके जो 1861 का एक्ट था उसके अकॉर्डिंग इंडियन सिविल सर्विसेज आपकी बनाई गई थी, लेकिन 1853 का जो एक्ट था वो ओपन कंपटीशन मेरिट के थ्रू जाने की बात करी गई थी, और ये लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे था। आंसर नंबर क्या बनेगा? बी,
लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे, क्लियर। लॉर्ड मायो तो वो है जिन्होंने फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में बात करी थी, क्लियर। रिपन वो है जिन्होंने फैक्ट्री एक्ट 1881 का पास किया था लेबर कंडीशन को इंप्रूव करने के लिए, और इनको लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का फादर कहा जाता है। बेंटिक वही है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया पहला भारत का 1833, 1839 में सती प्रथा खत्म करवाई, 1835 में इंग्लिश एजुकेशन लगाई। तो आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए मांडले जेल डिपोर्ट किया गया था लाल लाजपत राय को, क्योंकि उन्होंने अग्रेरियन मूवमेंट करी थी पंजाब में, 1907 में इनको डिपोर्ट किया गया था। मांडले जेल कहां पे है? बर्मा में, म्यांमार में है। लाल लाजपत राय को मांडले जेल भेजा गया था 1907 में। इनको पंजाब केसरी के नाम से भी जानते हैं, इन्होंने अनहैप्पी इंडिया नाम की पुस्तक भी लिखी है। जब साइमन कमीशन भारत में आया था तो बहिष्कार किया गया था, बायकॉट किया गया था, तो लाठी चार्ज करके इनकी डेथ हो गई थी। सॉन्डर्स ने लाठी चार्ज किया था, स्कॉट ने ऑर्डर दिया था और उसका बदला लिया था भगत सिंह जी ने। किसको मार के? स्कॉट को मारने गए थे लेकिन स्कॉट एब्सेंट था, सॉन्डर्स को मार के बदला लिया था। समझ आया तुम्हें? साइमन कमीशन जो भारत देश में आया था फेब 1928 में बायकॉट किया गया था। क्यों? क्योंकि इसके सारे मेंबर थे अंग्रेज, 7 मेंबर थे, सारे के सारे अंग्रेज थे, और भारत में आया क्या था? कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म करने के लिए आया था। नेक्स्ट, केशव सेन ये ब्रह्मो समाज के साथ लिंक करते हैं, पर बाद में ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया इन्होंने बना दिया था। नंबर टू, क्लियर। दयानंद सरस्वती ये बिलोंग करते हैं आर्य समाज से। आत्माराम पांडुरंग बिलोंग करते हैं आपके प्रार्थना समाज से। सैयद अहमद खान अलीगढ़ मूवमेंट 2413, ये बनेगा सी ऑप्शन। 2413 इज द करेक्ट आंसर, 2413। ये मैंने अभी क्वेश्चन बताया था, मींस जस्टिफाई द एंड, ये किसने बोला था? ये तो फटाफट टिक करेंगे हम, ये तो अभी याद किया है हमने, महात्मा गांधी जी, बाकी हमने पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो आंसर नंबर 4। नेक्स्ट, द रियल सीट ऑफ टेस्ट इज नॉट द टंग बट द माइंड। जो अगर आपको खुशी हो रही है तो ऐसा नहीं है कि वो खाके टेस्ट करके ही स्वाद आएगा, माइंड से भी टेस्ट आ सकता है, माइंड से टेस्ट भी आ सकता है, यस। तो वो किसने बोला था? ये महात्मा गांधी जी ने बोला था, सिर्फ जुबान केसरी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, दिमाग केसरी होना चाहिए। चलिए जी, आंसर नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, द फर्स्ट ट्रेडिंग सेंटर विच वॉज एस्टेब्लिश बाय ब्रिटिश वॉज। ये आपको मैंने बताया था, ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या करेंगे हम लोग, ठीक, सूरत, सूरत ये हमने डिस्कस किया था जी। ये भी डिस्कस कर लिया है, ठीक है। अंग्रेजों ने माध्यम बना दिया था इंग्लिश का जी, इंग्लिश माध्यम बना दिया था 1835। लॉर्ड विलियम बेंटिक इज द करेक्ट आंसर, आंसर नंबर सी, लॉर्ड विलियम बेंटिक। बाकी वेलेसले आपको बता दिया था मैंने, सब्सिडरी अलायंस। लॉर्ड हार्डिंग सेकंड की अगर मैं बात करता हूं, लॉर्ड हार्डिंग सेकंड की 1911 में इन्होंने दिल्ली दरबार सजाया था, कैपिटल शिफ्ट करने की बात करी थी। लॉर्ड हार्डिंग सेकंड कैपिटल शिफ्ट करने की बात करी थी फ्रॉम दिल्ली टू कलकत्ता, सॉरी कलकत्ता टू दिल्ली, और राजबेरी बोस ने बम फेंका था। ये राजबेरी बोस कौन है? ये बाद में जाके जो है इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के साथ लिंक कर जाते हैं, इंडियन नेशनल आर्मी के प्रेसिडेंट बन जाते हैं। सिंगापुर 1943 में सारी जो भागदौड़ है वो सुभाष चंद्र बोस जी को संभालवा देते हैं कि भाई तुम संभालो अब, ठीक है। लॉर्ड डलहौजी हमने पढ़ लिया है, तो आंसर नंबर सी। नेक्स्ट, रेवतवाड़ी सिस्टम लैंड रेवेन्यू का क्या है? मैंने आपको बताया था थॉमस मुनरो ने स्टार्ट किया था ये, चार्ल्स रीड, मुनरो और रिकमेंडेशन रीड की थी इन्होंने स्टार्ट किया था, और सबसे पहले मद्रास स्टेट को ने किया था, फिर बॉम्बे ने किया था। अब बात यह है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह था कि एक एक किसान जो है अपना टैक्स भर के आएगा अंग्रेजों के पास। द रेवत इज द ओनर ऑफ द लैंड हैंड बाय हिम और हर, डायरेक्टली पे द रेवेन्यू असेस्ड ऑन द लैंड टू द स्टेट। अकेला खुद अपना टैक्स भर के आता था। आंसर नंबर क्या बनेगा? 1 इज द करेक्ट आंसर, आंसर नंबर 1, क्लियर। और महलवाड़ी में क्या होता था? महलवाड़ी में पूरा गांव इकट्ठा टैक्स भर के आता था, और इसको स्टार्ट किसने किया था? हॉल्ट मैकेंजी ने। अगर हॉल्ट मैकेंजी ऑप्शन में नहीं आता तो विलियम बेंटिक को टिक करके आओगे। परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल, बंगाल में जमींदारी प्रथा लॉर्ड कॉर्नवालिस की ने किया था, रिकमेंडेशन जॉन शोर की थी। रेवतवाड़ी मैंने आपको बता दिया क्या है, क्लियर।
ये है गाइस क्वेश्चन आज के लेक्चर में। आई होप मजा आया होगा, स्टैटिक क्लियर हो गए होंगे आप लोगों को पॉइंट्स। तो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर देना, अपने दोस्तों को बताना हमारे क्लासेस के बारे में, हमारे चैनल के बारे में, और चैनल सब्सक्राइब कर लेना अगर आपने नहीं किया। और प्लस बहुत सारी वीडियोस और आएंगी, और भी करेंगे हम चीजें, और आप लोग इन सोशल मीडिया के साथ मुझसे जुड़ सकते हो। लेकिन सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है टेलीग्राम चैनल, और इसका जो लिंक्स है वो सारे डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे। आप मेरे पेड कोर्स के साथ भी पढ़ सकते हैं, जिसमें हमारा जो कोर्स है आपको हर घर शिक्षा कैंपेन के अंतर्गत जस्ट 499 रुपीज में आपको मिलेगा। जस्ट 499 में एक साल की वैलिडिटी के साथ आपको एक कोड लगाना है, दैट इज VIP499। ये कोड लगाएंगे तो एक साल की वैलिडिटी के लिए मेरा कोर्स आपको मिल जाएगा। कौन सा? 10,000 MCQ कोर्स और GS कोर्स। 10,000 MCQ कोर्स हमारा चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज MCQ है, इसमें EPFO के वीडियोस भी आएंगे और भी बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं, और मॉक टेस्ट भी देखने को आपको मिलते हैं, तो आप पढ़ सकते हैं इस चीज को। क्लियर? अगेन कोड VIP499। GS कोर्स हमारा एक थियरी कोर्स है, बिल्कुल बेसिक टॉपिक वाइज चीजें स्टार्ट करी गई, स्टडी करी गई है यहाँ पे, तो आप इन कोर्सेज को ले सकते हो। और ये कोर्सेज के लिंक जो है डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएंगे। अदरवाइज स्टडी IQ ऐप और वेबसाइट आप डाउनलोड करना। जैसे आप डाउनलोड करेंगे आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आएगा होम पेज, एंड में बिल्कुल जाना, वहां पे नजर आएगा आपको डॉक्टर विपन गोयल कोर्सेज। जैसे आपको डॉक्टर विपन गोयल कोर्सेज नजर आएगा तो ये कोर्सेज नजर आ जाएंगे, इसमें डाल देना कोड VIP499, ठीक है? तो आपको 499 में मेरा कोर्स मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच, पढ़ो अच्छे से और तैयारी करो, और इस कैंपेन के अंतर्गत पार्टिसिपेट कर सकते हैं और 499 रुपए में आपको क्लास कोर्स मिल जाएगा। क्लियर? सो थैंक यू सो मच गाइस, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, थैंक यू सो मच।